सीरीज में एलआर सर्किट है ना बच्चों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सर। मैं रात को जिस जे ऑपरेटर को लेने की बात कर रहा था ना, उससे रिलेटेड आपको फेजर डायग्राम को इजी करना बता रहा हूँ मैं अभी, और इससे बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका चैप्टर जो है ना। ठीक है, ओके। सर। तो करना ये है बच्चों कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन ले लो, और इसके अलोंग जो है बच्चों आपने आई ले लेना है। ठीक है बच्चों, समझ में क्या? हाँ, इसके अलोंग जो है आपने आई ले लेना है बच्चों। अब आपको इस बात का पक्का पता है कि रजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज वाला जो हमारा फेजर होता है बच्चों, उसके साथ ओवरलैप करता है ना। यस सर। यहाँ पे अच्छा, चलो एक काम करते हैं, ग्रीन वाला मान लेते हैं कि रेड वाला जो इसके नीचे जो था ना बच्चों, वो रेड वाला आई के लिए है और ग्रीन वाला है बच्चों हमारा वोल्टेज के लिए। ठीक है, यस तो सर। वो यस होगा हमारा सर। वी आर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब एल जो हमारा इंडक्टर है बच्चों, वो क्या करता है, करंट को लीड करता है बच्चों। करंट को क्या करता है, लीड करते लीड हैं। करता है। आई बात समझ में? यस सर। मान लेते हैं कि ये एक इंडक्टर है। शुरू में हमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, सॉरी, यहाँ पे जी आएगा, जी, और यहाँ पे आपने एक मैग्नेट रखा। तो मुझे ये बताओ, इस कॉइल के अंदर पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि करंट? सर ईएमएफ ईएमएफ बाद में ही होगा। करंट होगा ना, पहले तो ईएमएफ इंड्यूस्ड यस होगा। तो सर। इसीलिए यस सर। इंडक्टर के अंदर पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, फिर उस ईएमएफ की वजह से करंट आता है। नहीं आया क्या समझ में? यस सर। तो यस कौन आगे सर। चलेगा? ईएमएफ। ईएमएफ। अब आ जाओ कैपेसिटर की बात करते हैं। अगर मान लो कि कैपेसिटर को हम यूं बैटरी के साथ अटैच करके चार्ज करते थे ना, यस सर। अब मान लो कि ये फुल चार्ज हो गया है, ये चार्ज इसमें जितना चार्ज आना था वो आ गया। मान लो कि हम इसको और ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं, इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलो तुम ऐसा कर लो, एक बलून है, उस बलून के अंदर जितनी हवा भरी जानी थी भर गई, आप उसके अंदर और हवा भरना चाहते हो, तो क्या करोगे? ज़्यादा एयर का प्रेशर देना पड़ेगा ना। यस सर। और अगर इसको यस सर। चार्ज अगर हमें करना है, फर्दर और ज़्यादा चार्ज करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे अपने को, चार्ज और देने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए यस क्या सर। चाहिए? करंट हमने को चाहिए। आई बात समझ में? तो करंट इसको और ज़्यादा देना पड़ेगा, तब ये क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा। समझ में आए यस कि नहीं? सर। जब ये फुली चार्ज हो जाता है बच्चों, और आपने देखा है वो रैकेट, मॉस्किटो किलर रैकेट जो आता है, यस उसके सर। अंदर कैपेसिटर को आप फुल चार्ज करते हो पहले, फुली जब उसके यस अंदर सर। चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद करंट आता है ना। यस सर। हाँ, लेकिन फुली चार्ज करने के लिए पहले उसके अंदर चार्ज डालना भी तो पड़ेगा। पहला पहला काम तो ये काम तो मैंने चार्ज, इसको चार्ज होने के बाद का बताया।
लेकिन पहले इसके अंदर चार्ज डालना भी तो पड़ेगा ना। यस नहीं आई बात समझ में? अब बैटरी यस पे, आ रही बैटरी पे सर। मैंने दो तरीके बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो एंड था ना यहाँ पे। तो बैटरी यस को जब सर हम चार्ज करते हैं तो इस एंड से हम चार्ज को अंदर डालते हैं, करंट को अंदर डालते हैं हम। आई बात समझ में? यस सर जब बैटरी पर काम कर रहे होते हैं ना तो चार्ज को हम अंदर डालेंगे, और जब बैटरी काम करेगी तो यहाँ से चार्ज को बाहर निकालेगी। दो काम थे, वर्क सर डन ऑन बैटरी, दूसरा था वर्क डन बाय बैटरी, था कि नहीं था? यस सर हाँ, यस तो इसीलिए कैपेसिटर में, कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों के रेफरेंस लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पे आप आई को कंसिडर कर लो, ठीक है, और इसी आई पे यस 90 के डिफरेंस पे ना इधर, ठीक है बच्चों, सर यहां पे यस सर एक सॉरी जे ऑपरेटर जो है ना कंसिडर कर लो बच्चों। क्या क्या कंसिडर कर लो? जे, ऑपरेटर जे ऑपरेटर मान लो, ठीक है। एक्चुअल में जे कैप की तरह ही होती है, मतलब जे ही है बस, आप इसको जे मान लो बस यहाँ, ठीक है बच्चों। यस सर बस यस इसको जे जो आपने लिया है ना उससे 90 पे आप जे कंसीडर कर लो, बस सिंपल सी बात है। समझ गए क्या? ओके सर यस सर ओके। अब यहां पे अगर ये रजिस्टिव सर्किट है, एक में रजिस्टेंस है, तो आई और वी आर तो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस जबकि वी एल, वी एल जो होगा बच्चों वो इधर होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? यस सर ओके। यस और अब अगर अपन बात करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो होगा ये, ठीक है, वी। यस सर नहीं होगा क्या? सर होगा ओके। और मान लो कि ये वी आर के साथ में कोई एंगल इसने बना दिया बच्चों फाइव, ठीक है, इतनी बात तो याद रहेगी, बहुत ही सिंपल ना। यस मैं दोनों तीनों सारे सर्किट बनाना बताऊंगा और उससे तुम बहुत इजी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बच्चों कि वी जो है ना, वेक्टर वी है, वेक्टर वी को आप कैसे लिख सकते हो बोलो? वी आर वी आर का प्लस में, स्क्वायर अच्छा ये वाला जो है ना हमने जे कंसिडर कर रखा था बच्चों ऑपरेटर, तो ऑपरेटर जे को आपने इसके साथ रखना है वी एल, बस। आगे बात समझ में? सर फिर इसके साथ आई भी रखेंगे वी आर के साथ ना वो बाद की बात है, बस सिर्फ आपने अभी इतनी बात रखनी है। नहीं आया क्या समझ में? सर रिजल्टेंट में तो स्क्वायर भी तो करेंगे मैंने वेक्टर की बात करी है बहन, वेक्टर की बात करी है। किसी वेक्टर को ये बताना होता है कि वो एक्स एक्सिस में कितना है और वाई में कितना है। ओके सर नहीं आया समझ में? सर आ गया हाँ, ये अपने आप ले लेगा। अब देखो वी आर को आप क्या लिख सकते हो, वी आर को बोलो आप क्या लिख सकते हो? आई डॉट आर लिख सकते हो ना, यस और सर वी एल को आप क्या लिख यस सकते हो? जल्दी बोलो। एल इनटू जे डी डी आई इंटू में डी एक्सएल आई इंटू में एक्स एल, नहीं लिख सकते क्या? यस सर ओके। फर्दर एक्सेल को आप क्या लिख सकते हो? आई आर टू एज इट इज एल होगा और प्लस में ओमेगा आई इंटू में ओमेगा एल, आया ना। अब क्या इसमें से आप आई को कॉमन ले सकते हो?
आर सर, प्लस में जे ओमेगा एल हो गया बच्चों, नहीं आया क्या समझ में भाई? यस सर, अब मैंने लिख दिया इसको आई इंटू में जेड, ठीक है। अब आप कहोगे कि जेड को आपने ऐसा क्यों लिखा? मैं कह रहा हूं कि जो जेड है ना बच्चों, मेरा कुछ ऐसा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी में ओमेगा। नहीं आया समझ में? ओमेगा एल का स्क्वायर, ये एक पूरे कंप्लीट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। नहीं आया क्या समझ में यस बच्चों? और ज्यादा बेटर रहे कि अगर हम इसको मॉडुलस में लिखें तो ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, अब सुनो, ये इस जे रखने का तुम्हें बेनिफिट क्या आया पता है? इसको जे नो रखने का सर, इसको जे रखने का बेनिफिट क्या आया पता है तुम्हें? नो सर, ओके, इस जे रखने का सॉरी बेनिफिट बताता हूँ मैं बच्चों, क्या है आपका कि जे वाली जो साइड है बच्चों, अगर हम जब कार्टेशियन प्लेन बना रहे होते हैं ना, तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये आई कैप होता है और ये जे कैप होता है, यस होता है कि नहीं सर, होता? यस सर, होता हाँ, है तो सर। बच्चों अब आपको एंगल फाई भी तो निकालना है, तो जे वाली जो टर्म थी ना हमारी, वो कौन सी है? वो ये थी, है ना? तो यस फाई सर, फाई इज इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट इनवर्स जेंट क्या लिखोगे बच्चों? वी एल अपॉन में वी रियल आर, वी आर, मॉडुलस में लिखो इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं आया क्या समझ में? यस सर, और यस सर, टेंजेंट इनवर्स वी एल आपका क्या था? ओमेगा एल, और ये क्या है? आर। समझ गए क्या बच्चों? हाँ, यस सर, तो अगर आप जे लेकर के, जे वाली टर्म लेकर के करोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें परपेंडिकुलर कौन सा लेना और बेस कौन सा लेना। समझ गए क्या बच्चों? यस सर, ओके, यस सर, फर्दर हम डिस्कशन करते हैं बच्चों के सीरीज में सी आर सर्किट लेते हैं अपन, ठीक है? यस सर, अब सी आर सर्किट के लिए अपने को एक सर्किट के अंदर ये कोई एक अल्टरनेटिंग सोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ये कैपेसिटर है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों? यस सर, तो यस सर, अब पहला जो हमारा काम होगा वो क्या है बच्चों, कि कार्टेशियन प्लेन पे हमने ले लिया आई इधर की तरफ जाता हुआ, ठीक है बच्चों? यस दूसरा सर, जो हम केस लेंगे बच्चों, वो लेंगे हम कि अगर इस तरफ आई जा रहा है तो वोल्टेज किस तरफ होगी बच्चों? वी वी इसी सर, डायरेक्शन में होगी ना यस रेजिस्टेंस के लिए, इस आर के लिए, और ये सी था, सर, तो वी की डायरेक्शन होगी बच्चों इस तरफ ही, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? वी आर होगा ना, यस सर, और ये होगा यस इसका आई। अब हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर क्या करता है बच्चों? कैपेसिटर की जो सर, वोल्टेज होती है आई लैग लैग करेगी, करता है। लैग। नहीं आया क्या बच्चों? क्या करेगी? यस सर, लैग करेगी। अब लैग सुनो, हमने यहां पे आई बनाया था, अब लैग करेगी तो जे किधर बनाऊंगा? ऊपर के नीचे? सर, वाई एक्सिस में ऊपर, मैं पॉजिटिव की तरफ तेरे मुंह पे मारूंगा ईमानसी, सर, नेगेटिव की तरफ। मुंह पे लगता ही नेगेटिव की तरफ, तेरे को पता ही नहीं है किस तरफ करना है, पागल सी। अरे आई को लैग करेगा और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है हमेशा, तो लैग करने के लिए क्या करेगा? वीसी को नीचे की तरफ होना पड़ेगा। यस सर, नहीं आया समझ में?
सर अरे खुद ही सोच करके देखो कि अगर मैं VC को ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, तो यही पूछेगी कि VL भी ऊपर की तरफ ही था और VC भी ऊपर की तरफ था। ये देखो अब ये VL भी ऊपर की तरफ है तो VS VC तो लैग करेगा ना। अभी पूरा कंप्लीट समझा दिया था फिर भी वही स्टोरी, किधर सर ध्यान है? ये हमारा VC है, समझ गए क्या बच्चों? यस सर हाँ, और हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल बनेगा ना, अब जो रिजल्टेंट हम जो फाइंड आउट करेंगे बच्चों, बस तीसरा काम क्या है, ये इनका होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट बच्चों फाई बनेगा इस रेफरेंस लाइन के साथ जो हमने अभी अभी बनाई थी। ठीक है बच्चों? यस सर ओके, तो अब यस सर अगला काम क्या होगा, किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो यहाँ पे बच्चों जे लिखना है आपने, -j हो गया ये, ठीक है ना? तो v इज इक्वल टू में, अब ये हमारा है वेक्टर v, तो वेक्टर v x एक्सिस में कितना है, vr है, और y एक्सिस में कितना है, माइनस माइनस vc j कैप। क्यों भाई? यस सर अरे ऐसे ही तो लिखते थे तुम, अगर ये +1 में अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी प्रोजेक्शन ये इतनी जा रही है एक्स में और इतनी जा रही है वाई में, तो वेक्टर ए को आप कैसे लिखते थे, है ना भाई? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हाँ, ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप, ऐसे ही तो लिखते थे। बस मैं यही तो काम कर रहा हूं, बस इसके साथ मैंने आई नहीं लगाया, सर क्यों नहीं लगाया हमने यहाँ क्योंकि पे क्योंकि मेरा ये जो ऑपरेटर है ना, बस मुझे इसी को याद रखना है, ये वाला तो था ही रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस में। ठीक है बच्चों? अब ओके सर मैं इसको क्या यस लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सर सकता हूँ मैं, I इंटू में एक्स सी इंटू में जे कैप लिख सकता हूँ, IR माइनस में I इंटू में 1/ में ओमेगा सी लिख सकता हूँ। अब इसमें से I जो है मेरा कॉमन आ रहा है बच्चों, I अगर मेरा कॉमन आ रहा है बच्चों, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ I माइनस में 1/ में ओमेगा सी, और इनटू में इसके साथ में लिखूंगा बच्चों जे कैप। ठीक है क्या भाई? ठीक है, तो इस पूरे को अब मैं लिख सकता हूं I इनटू में जेड, और जेड मेरा क्या है, जेड बोलो क्या है मेरा, इस पूरे सर्किट का जेड। देख कितने आराम से बैठी है जस्सी, मुंह खोलने की जरूरत नहीं बहन, इतने ही नंबर आएंगे, जितना टीचर को दुखी कर रहे हो ना तुम, पूरा साल निकल गया लेकिन ये आदत नहीं गई जवाब देने की, यस आया कि नो आया, सुनने के बाद में भी बैठी है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा अब जैसी, आवाज नहीं आ रही तेरे को? ओके चल ठीक है, तो फिर क्यों बोलना है मेरे को? ठीक है क्या बच्चों? तो जेड हमारा क्या आया, तो जेड जेड जो होगा बच्चों, जेड हमारा क्या है, अंडर द रूट इम्पीडेंस आर का स्केयर प्लस में 1/ में ओमेगा सी का स्केयर। क्यों बच्चों? है ना? हाँ, तो अब आपको देखो कितना आसान हो गया, तो VC VC यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का काम करेगा क्योंकि जे ऑपरेटर साथ में लगा हुआ है, नहीं समझे क्या? तो अब अगर मैं निकालना चाहूं फाई की वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, VC/ में VR ना, तो 1/ में ओमेगा सी बाय में आर। क्यों बच्चों? तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/ में ओमेगा सी आर, फाई की वैल्यू आएगी जो भी आएगी। नहीं समझे बच्चों? नहीं समझे क्या? यस सर
हाँ तो आ कितना गया कितना आसान है, कल रात वाले से और ज्यादा आसान हो गया ना अभी। यस सर हाँ यस सर अब हम बात करेंगे एलसीआर सर्किट की, ठीक है बच्चों? किसकी यस बात सर करेंगे हम? एलसीआर सर्किट हाँ तो बच्चों एलसीआर सर्किट की एलसीआर सर्किट के अंदर बच्चों अपने पास में तीनों ही चीजें होती है ना, चित्र बनाने की जरूरत है? नो सर ओके तो बच्चों पहला केस हम लेते थे, आप तीन कार्टेशियन प्लेन बना लो रेफरेंस के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपने करना है कि रेफरेंस लाइन पे आपने रेफरेंस लाइन लेनी है और करंट को चूज कर लेना है बच्चों, समझ गए? यस और सर इसी रेफरेंस लाइन के अलोंग बच्चों आपका क्या होता है, वी आर होता है कि नहीं होता? सर होता है हाँ। और अगर एलसीआर तो एलसीआर सर्किट है बच्चों, है ना, अगर एलसीआर यस सर्किट है सर तो ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, वीएल अभी किया था हमने, यस सर और नीचे की तरफ क्या होना चाहिए बच्चों, वीसी, बीसी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो। क्यों भाई? यस हमेशा सर जो है ना वीएल लैग करेगा, तो ऑपरेटर जो था आपने उसको इधर वाला ये आई हो गया, सॉरी जे कैप हो गया, और ये माइनस जे कैप हो गया बच्चों, यस समझ गए सर क्या? यस सर हाँ तो ये जे कैप और ये माइनस जे कैप, ठीक है बच्चों? यस सर ओके तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा इधर, यस सर ठीक है भाई? अब आप कहोगे इधर कैसे, यस क्योंकि जो वीसी है ना और वीएल है वो वीएल ऊपर की तरफ और वीसी नीचे की तरफ, तो मैं अगर वीसी वाला वेक्टर पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वीएल माइनस वीसी, माइनस समझ गए क्या बच्चों? यस सर ओके देन तो अब मान लेते हैं कि वीआर और माइनस में वीसी का जो रिजल्टेंट आ रहा है बच्चों वो क्या आएगा मेरे पास में, वी, वी और वी का हमने रात को किया था, ठीक है बच्चों? क्या आएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी प्लस एल माइनस बी सी का होल वी एल स्क्वायर माइनस में वी सी का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों, यस सिंपल ना? सर क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों? यस सर तो आप बच्चों मान लेते हैं कि ऐसी थोड़ी सी इसमें अजम्पशन अपने को करनी पड़ेगी कि एक्स एल जो है वो ग्रेटर देन है एक्स सी से, ठीक है बच्चों? और मान लो कि वी एल जो है वो है ग्रेटर देन वी सी से, तो क्योंकि तभी तो वो सब्ट्रैक्ट हुई ना, वी एल माइनस यस में वी सी सर तभी तो हुआ ना, हमने ये अजम्पशन मान करके करी है कि वी एल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वी सी के, समझ गए आई बात बच्चों? यस सर ओके तो यस ये जो वी है बच्चों इस वजह से हम इस वी को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, वी इज इक्वल टू में एक्साइज एक्स एक्सिस में कितनी है वो वी आर है, और प्लस में वाई में, सर वाई में कितनी है बच्चों, वाई में कितनी रियल है, में VM माइनस BC J कैप जे जे कैप इनटू में वी एल और माइनस में जे कैप इनटू में वी सी, VC है ना भाई? एक्चुअल में तो यही यस बनेगी। तो अब फर्दर हम इसको आगे लिख सकते हैं बच्चों, वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर,
प्लस में जे कैप और वी एल को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स आई इंटू एल में एक्स एल, और माइनस में जे कैप वी सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन अपॉन में, इनटू नहीं सॉरी एक्स एल लिखेंगे, एक्स सी, यस जे कैप इंटू में आई एक्स सी लिखेंगे भाई। समझ गए क्या बच्चों? यस ओके, फर्दर अब इसकी फिर से आप वैल्यू डाल दो, आई इंटू में आर, ठीक है, और इसको आप क्या लिखोगे, ओमेगा जे कैप इंटू में आई ओमेगा एल माइनस में जे कैप आई जी और वन अपॉन अपॉन में में ओमेगा सी, ओमेगा ठीक है क्या बच्चों? सी इन यस दोनों में सर से, इन पूरे में से तो आई बाहर आ रहा है बच्चों को मन, ठीक है, यस सर आ रहा कि नहीं आ रहा? यस आ रहा है। सर ओके, और ये जो पूरा जो वी है बच्चों, पूरे वाला जो वी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी इज इक्वल टू में आई जेड, ये जो वी है ना, ये इस वी की वैल्यू रखी है मैंने बच्चों, और जेड मैंने कहा कि पूरे सर्किट का क्या रेजिस्टेंस, अरे वी इज इक्वल टू में आई आर ही तो होती है ना पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, है ना बच्चों? तो यहां से आई कॉमन आ रहा है और अंदर मेरे पास में क्या बचेगा बच्चों, आर, और प्लस में मैं जे जे इसमें से कॉमन ले रहा हूं और आई हमारा पहले से ही बाहर चला गया, यहां पे बचेगा ओमेगा माइनस में वन अपॉन में ओमेगा सी। समझ गए क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, तो इस पूरे का नाम हम लोग दे रहे हैं आई, और इधर था आई और जेड, तो आई और आई हमारा कैंसिल हो रहा है बच्चों, इस पूरी चीज को मैं लिख रहा हूं जेड। तो समझ गए क्या बच्चों? अब आप जेड का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, तो एक्स एक्सिस में इतना है हमारा और वाई एक्सिस में इतना है, क्योंकि इसके साथ जे कैप लगा हुआ है। समझ में आया क्या? तो अंडर द रूट आई स्केयर प्लस में हम क्या करेंगे बच्चों, ओमेगा एल माइनस में ओमेगा सी का ओमेगा होल स्केयर, ये आपकी जेड की वैल्यू आई थी बच्चों, माइनस है ना बच्चों? दूसरा आप यहीं से जो है ना टेंजेंट फाई की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो बच्चों, तो ऊपर देखो इस डायग्राम में आप देख लो, ये अगर आपका एंगल फाई है तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है ना, वी एल माइनस में वी सी अपॉन में आर, बोलो। सर वी आर हाँ सॉरी, वी आर, वी आर, तो वी एल माइनस में वी सी की वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे बच्चों, तो फाइनली टेंजेंट फाई जो आएगा बच्चों, वो आपके पास में क्या आएगा, ओमेगा एल माइनस में वन अपॉन में ओमेगा सी अपॉन में क्या आएगा, आर। क्यों बच्चों? तो ऑपरेटर को जो है ना यूज करने का बेनिफिट कितना रहा भाई, बहुत रहा ना, ऑपरेटर को यूज करके आप कोई भी फेजर है उसको मिनटों में सेकंडों में निकाल लोगे, समझे कि नहीं समझे? कि हमें किसी भी सर्किट के अंदर, है ना बच्चों, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी आइडियल सर्किट के अंदर बच्चों, हम ऐसा सोचते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना वो मिनिमम होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना मिनिमम होना चाहिए चाहिए रजिस्टर बच्चों, मिनिमम होना चाहिए। तो अब एक जैसे अगर मैं आई नॉट की बात करूं बच्चों, तो करंट जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप करंट के लिए पहले लिखते थे आई इज इक्वल टू में वी बाय आर, लेकिन यहां पे आप क्या सर लिखोगे, आई नॉट इज इक्वल टू में वी नॉट अपॉन में
इम्पीडेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस, समझ गए क्या बच्चों? सर हाँ, लेकिन लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आई नॉट इज इक्वल टू में वी बाई जेड, ये गलत होगा। आगे बात समझ में आई? सर क्योंकि वी नॉट बाय जेड लिखोगे आप, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि दो दो तरीके हैं ना अपने पास में, वी आर एम एस क्या होना चाहिए फिर? आई आर एम एस किसके बराबर होगा? वी आर एम एस के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, दिस इज द राइट वे। समझ गए बच्चों? कभी भी आप ऐसा नहीं लिखोगे इसको, क्लियर क्या? हाँ। और दूसरी बात, वी आर इज इक्वल टू में क्या होगा होना चाहिए? वी आर, बोलो, आई आर एम एस इंटू में आर। अरे, पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस कितनी होगी? आई आर एम एस इंटू में आर, क्योंकि वो तो पूरे सर्किट के अंदर तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जाएगी ना, जो जो रेजिस्टेंस के अंदर, अब बल्ब के अंदर जो हमारी पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है बच्चों, वो कितना है? आई आर एम एस इंटू में आर। आई कि नहीं आई बात समझ में? और यस सर आ वीएल गई वीएल वीएल क्या होगी हमारी? आई आर एम एस इंटू में एक्सएल। और मैं सेल समझ गए क्या बच्चों? और वीसी को क्या लिखोगे आप? आई आई आर आर एम एम एस एस इनटू एक्सी एक्स सी, ये नोटेशन आप याद रखोगे हमेशा। यस समझ गए बच्चों? सर ओके ओके देन बच्चों, जेड हमारा क्या होता है भाई? अंडर द सर रूट, ऊपर सर इंसिडेंस होता है प्लस अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस में एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर। यस सर समझ में आ गई बात? अब यस बच्चों सर यहां पे अगर हमें रेजिस्टेंस को बच्चों मिनिमम करना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक्स की ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, अगर इसके पूरे की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि ये वैल्यू पूरी स्केयर में है। नहीं आई क्या यस बात समझ में? क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो आएगी ना, वो इसको स्केयर करके पॉजिटिव में बदल देगी। सिर्फ एक ही तरीका ये है कि एक्स एल जो है वो एक्स सी के बराबर हो जाए, तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है। क्यों भाई? सर आपकी आवाज कट कोई रही है बात नहीं, अब आ गई आवाज। यस सर ओके, मैं यस कह रहा हूं सर सिर्फ एक तरीका ये है कि एक्स सी और एक्स एल जब बराबर हो जाएंगे ना, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और सिर्फ आर बचेगा। तो दो फैक्टर का तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना बच्चों। यस इसका सर इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा एल इज इक्वल टू में 1 बाय ओमेगा सी। यस सर समझ में आई कि यस नहीं आई बात समझ में बच्चों? सर अब अगर मैं इस ओमेगा को इधर ले जाऊं और एल को इधर ले आऊं, रिप्लेस कर दूं, तो ये चीज मेरी क्या बनेगी? ओमेगा स्क्वेयर अपॉन में एल सी। यस सर और अगर मैं यहां से ओमेगा का स्क्वेयर कैंसिल कर दूं, तो अंडर रूट एल सी। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? यस सर और अब ओमेगा जो है, ओमेगा मेरा क्या होता है बच्चों? 2 पाई, बोलो टू क्या लिख पाई सकता एफ हूं मैं? 2 पाई एफ, इक्वल्स टू अंडर 1 बाय अंडर द रूट एल सी 2 पाई इंटू में टाइम। और टाइम क्या होता है मेरा? या तो मैं उसको एफ फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं एफ। यस क्यों सर बच्चों?
देखो ना, ये दो चीजें ये होती है, 2π/t भी तो होता है और 1/tf हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √LC। ठीक है बच्चों, तो f मेरा यस क्या आ सर, जाएगा, यहाँ वन से f इज इक्वल टू में आ जाएगा बाई टू √LC पाई इंटू में 2π। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी की यस वैल्यू इधर से निकल के आ रही है बच्चों। ठीक है भाई, सर, यस सर, यस तो छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, एन इंडक्टर ऑफ 5 mH इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस 4 ओम एंड ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट थ्रू ए स्विच। कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रो ऑफ करंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज ऑन। ओके, तो बच्चों इसमें एक तो इंडक्टर दिया गया है और एक क्या दिया गया है बच्चों, रेजिस्टेंस। ठीक है, यस और 2 वोल्ट की सर, बैटरी। ठीक है, ये R है, ये L है। तो बच्चों अगर इसका तुम फेजर बनाना चाहो तो फेजर कैसे बनाओगे, इधर तो होना चाहिए VL और इधर होना चाहिए VR, और इनका रिजल्टेंट होना चाहिए इधर V। वी फटाफट काम करना है, यहाँ पे बनना चाहिए फाई। ये वाला आपका हो गया, जे कैप और आई ठीक है कैप ना, इससे नहीं है। यस J ऑपरेटर, ऑपरेटर यूज करना है इसके लिए। समझ गए क्या बच्चों? अब सर, ये जो V है, रिजल्टेंट है ना, जो तुम्हारा V, ये किसके बराबर होगा, VR+ में VL J कैप। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? ओके, तो यस सर, ये जो रिजल्टेंट जो V है ना, वो क्या है हमारा, वो गिवन है 2 वोल्ट। अरे जितनी इसमें ड्रॉप होगी इतनी ड्रॉप होगी, इन दोनों का सम करके ही तो वी आएगी जो यस बैटरी में लगा रखी है यहाँ पे 2 वोल्ट। क्यों सर, भाई? तो आई इंटू में आर, ये तो बस वही जो हमने करवाया है ना, उसी से ही निकलेगा क्वेश्चन। और जे इंटू में वी एल कैसे निकालोगे बच्चों, एक्सेल एल इंटू में, अरे या तो तुम एक्सएल लिखते थे, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है ना, जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस हो गया, और इसको क्या लिखोगे, DI/DT। अरे यस ये चीज सर, कितना हो गया आपका, करंट इंटू में इंडक्टेंस, और ये करंट इंटू में इंडक्टेंस, तो इसमें इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, L इंटू में DI/DT। हाँ ना का तो जवाब दे दो। यस सर, यस सर, ओके, यस सर, अब कंडीशन क्या है बच्चों हमारी, सर क्वेश्चन तो ऊपर रह गया। क्वेश्चन तो ऊपर रह गया, लेकिन ये अब आगे 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 क्या करना है। सही है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। हाँ अब सुनो, अरे यहाँ पे एक और नई चीज तुम्हें आज पता चलेगी, बात अक्रॉस द सर्किट। अब सुनो, इंडक्टर में और रेजिस्टेंस में, देखो जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे ना बच्चों, तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तो 0 हो जाएगा, बट इसके अंदर बचेगी अभी भी, जो इंड्यूस्ड DMF थी ना वो बचेगी। सो कैसे? इसकी भाई इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये तो रेजिस्टेंस थी जितनी चली गई, ये तो इंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस्ड कर लेता है। यस सर, क्या? यस सर।
तो करंट कितना हो जाएगा? करंट जीरो हो गया ना। नहीं आई बात समझ में? सर नहीं आई। नहीं आई सर। हिमांशी और हिमांशु, तुम दोनों को है ना मैं बाद में बता दूंगा ये वाली बात। सर नहीं आई। ना ना ना, अब नहीं बताऊंगा। सिमरन, तूने तो बिल्कुल खून पी रखा है, अब क्यों बोल रही है? मैं बिल्कुल नहीं बाकी तुम दोनों को चाहे फोन करके बतानी पड़े बात, बताऊंगा मैं तुम्हें। फालतू में माथा नहीं मारना भाई, फटाफट। ये तो यूं तो सारी जिंदगी नहीं होंगे। मैं यहाँ दो दो मिनट में बोल रहा हूँ, रोज की स्टोरी है। इतना काम अपने को करना ही नहीं भाई। अब जिस पढ़ना हो तो पढ़ो, चाहे बेशक भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरा भी समस्या नहीं है। यहाँ पे ये चीज हो गई बच्चों, जीरो और जे कैप इंटू में एल डी आई बाई डी टी बचेगा। तो 2 वोल्ट इज इक्वल टू में जे एल इंटू में डी आई बाई डी टी, ठीक है भाई? अरे आया कि नहीं आया समझ में? सर नहीं आया। अरे ये तो जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या? डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू में 2, बस है ना? यस सर नहीं आया समझ में? सही। रेजिस्टेंस वाला 0 हुआ कैसे हमारा? क्योंकि उसने स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करने के बाद में करंट जाएगा क्या सर्किट में नो से? सर। फिर तो यहां ओके पे सर। करंट करंट जीरो हो गया ना जब स्विच ऑफ किया। बट इसमें रहा, यस सर। ठीक है ना? इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक है बच्चों? यस सर। तो यहां पे अब डी आई बाय डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों? 2 अपॉन में एल है यस ना? और एल की वैल्यू आप लोगों को गिवन दे रखी है उसने, देखो ये रही, ठीक है क्या? यस अब मैंने तुम्हें ये यस बताया था, अभी लास्ट बार मैं बता रहा हूं, अगली बार जो है ना मैं बस फास्ट फास्ट चलूंगा, जो पूछेगा उसी को ही बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि जब हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे इधर से, और जब यस करंट सर। इसमें आएगा, तो वो 0 से 10 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसमें फ्लक्स क्या होगा? चेंज हो रहा है 0 से 10 में। यस सर। लेकिन जब हम स्विच यस ऑफ करेंगे तो इसमें तो तुरंत करंट हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉप, लेकिन इसमें वापस जब ये आएगा ना, तो फिर अब ये 10 से 0 होगा। तो फ्लक्स इसमें जाते हुए भी सर। चेंज हो रहा था और आते हुए भी चेंज हो रहा था। नहीं आया समझ में? तो इसीलिए तो लिखा इसने डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि इतने 0 से 10 का हमारा क्या है, ये पहली सेकंड में, दूसरी में, चाहे नहीं समझे क्या? तो धीरे धीरे करके बंद होगा ना वो, यही तो फ्लक्स का पढ़ाया था। अब आप लोग पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूं? आप लोग पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूं बताओ? ये बात नहीं बताई थी, नहीं बताई थी? सर चेंज इन बताई थी फ्लक्स आपने। डी आई बाई डी टी क्या होता है? जल्दी बोलो। अब 2 अपॉन में हेनरी, एल की वैल्यू आपको दे रखी है 5 mH। 2 अपॉन में 5 mH इज इक्वल टू में क्या होगा? डी आई बाई डी टी। सर कितना आंसर आया फोर 400 है? 400 एम्पीयर पर सेकेंड। हाँ, 400 एम्पीयर पर सेकेंड। हाँ ना भाई, मेरे पास तो नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बच्चों? रिएक्टेंस दे रखा है, कैलकुलेट द रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ, सही है, इंडक्टर का नहीं है, रिएक्टेंस नहीं है सर, ये हमें कैलकुलेट करना, देखिए लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है, रिएक्टेंस तो कैलकुलेट करना है ना तो सर? मैं वही कह रहा हूँ कि कैलकुलेट अपने को करना है रिएक्टेंस, आई बात समझ में? और रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सेल, एक्सेल होता है क्या सर? एक्स आर नहीं, सॉरी आर, वी आर, पागल हो रही है तू बहन, एक्सेल रिएक्टेंस जो रिएक्ट करता है, अपोज करेगा जो, और वो इंडक्टर के लिए बात कर रहा है, और यहाँ पे दे भी रखा है उसने, इंडक्टर कनेक्टेड कर रहा है कि भी वो इंडक्टर कितना रिएक्ट करेगा उसके लिए, उसको अपोज करेगा। तो एक्सेल जो है बच्चों वो हमारा क्या होता है, ओमेगा एल। यस सर, यस सर। ओके देन, अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि ओमेगा को, ओमेगा को अपन क्या, अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रखी है तो 2π ν इनटू में एल। यस सर, ठीक है बच्चों। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी अगर अपने को गिवन है तो 2 × 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी है जल्दी बोलो फटाफट, 100, और एल कितना है, एल है बच्चों 10 mH, ठीक है ना, 10 × 10⁻⁴ के लिए है ना, तो 3 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बस सिंपल है, सिंपल है, और क्या, सारी चीजें तो दे रखी है, मल्टीप्लाई करना है बस, सिंपल कर दो मल्टीप्लाई, आ गया सर, कितना आया, आ गया सर 6.28। आंसर क्या है सर? यही है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इंडक्टर इज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज 1H इज कनेक्टेड अक्रॉस ए AC पावर सप्लाई 200 वोल्ट। तो बच्चों एक रजिस्टर और एक इंडक्टर, और इनको AC के साथ में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है बच्चों? यस सर। और इसमें से वल ये जो है वो अपने पास में है 1H, और सर हाँ सिर्फ इसमें इंडक्टर ही है, है? थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ इंडक्टर कंडक्टर है, ओनली रेजिस्टेंस नहीं है क्या? नो सर, एक मिनट, चलो देख लेंगे भाई, वो तो इसमें अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो एक खाली मतलब प्योर इंडक्टर वाला सर्किट है ये, तो इसमें से अपने पास और क्या क्या दे रखा है बच्चों? वोल्टेज दे रखी 200। यस सर। तो ये VRMS है, आपको मैं बात बता दूं, आई कि नहीं आई बात समझ में? यहां से तो ये VRMS दे रहा है, इंस्टेंटेनियस नहीं है ना 200 वोल्ट। यस सर, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। और फ्रीक्वेंसी यानी के न्यू 50 Hz FZ दे रखी है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो I पता करना है बच्चों अपने को, ठीक है ना, तो यानी कि IRMS पता करना है अपने को, yes, तो क्या होना चाहिए, VRMS अपॉन में XL, XL, ठीक है ना भाई? तो XL आपको दे रखा है 1, क्यों भाई? उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो XL इज इक्वल टू में क्या होता है, ओमेगा L, और ओमेगा L आपका क्या रखोगे, 2π ν L, समझ गए क्या? तो न्यू कितनी है, 2 × π × 50 और इंटू में 1, आगे क्या बात समझ में बच्चों? और इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि 200 अपॉन में 2π इंटू में 50 इंटू में 1,
इज इक्वल टू में होगी बच्चों IRMS। नहीं आया क्या समझ में? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यस बस। जल्दी करो फटाफट। निकल गया क्या? कितना यस सर, आया भाई? 0.64। 0.64 एम्पियर। यस सर, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ए प्योर इंडक्टर ऑफ 2.5 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इतना वी। तो भाई वी आर एम एस है ना ये? क्वेश्चन यस सर, नंबर है भाई 4। वी आर एम एस है बच्चों 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सेल की बात कर रहा है क्या ये? है यस भाई, सर, यस सर, एक्सेल की बात कर रहा है ये। तो यस एक्सेल इज इक्वल टू में 2π𝑣 इंटू में एल। ये चीजें याद कर लो। अब ये अपने को पूछ रहा है वो कि इतना अपने को निकालना है। समझ गए क्या बच्चों? यस सर, और फिर क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन था कि थर्ड? थर्ड था, फोर्थ था, कौन सा था ये? सर फोर्थ एंड आरएमएस करंट। तो आरएमएस क्या होगा? IRMS इज इक्वल टू में VRMS अपॉन में एक्सएल। तो एक्सएल तो आप यहां से निकाल के इसको इससे डिवाइड कर दोगे। तो फ्रीक्वेंसी है क्या आपके पास? ये रही प्योर इंडक्टिव। ये क्या है आपके पास में? ये तो एल है। सर 50 हर्ट्स गिवन तो है लास्ट हाँ में। ये रही 50। तो एल भी है आपके पास में। एल कितना है? 2.5 है ना बच्चों? सॉरी यस ट्वेंटी सर, फाइव 25.0। और न्यू कितनी है? 50 हर्ट्स है कि नहीं है? यस हाँ। सर, तो 25 को मल्टीप्लाई कर लेना 10 × 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर -3 से। ठीक है बच्चों? मिली मिली आ एच है ना गया। वो। बस जल्दी से निकालो और फिर एक्सेल के साथ डिवाइड कर देना, हो जाएगा। सर आ गया। हो गया भाई? यस सर, सिंपल। पांचवें यस क्वेश्चन में आ जाओ। पांचवें सर, क्वेश्चन में एक इंडक्टर है बच्चों, उसका इंडक्टेंस दे रखा है, यानी कि एल दे रखा है यस अक्रॉस सर, ए एक्सेल अल्टरनेटिंग पावर, यानी कि VRMS दे रखा है। पांचवें क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं अभी। टू है। यस ट्वेंटी सर, वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि न्यू इज इक्वल 50 हर्ट्ज़, टू में कितनी? 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़, और कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द इंडक्टर। बोलो नहीं निकाल सकते क्या? अब ये आई नोट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम यस पूछा उसने, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए मैंने बताया था आप लोगों को वी नोट बाय एक्सेल। अगर आरएमएस होती तो पूरे की थी, तो वी नोट बाय एक्सेल। अब वी नोट कैसे निकालोगे? हैं? VRMS × √2। VRMS × √2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वी वी नोट इज इक्वल टू में √2 इंटू में VRMS। ये तो पहले अपन क्वेश्चन कर चुके, क्यों भाई? यस तो वी आर एम एस तो सर, अपने को दे रखी है। या फिर आप इसको उसके लिए क्या आई थी वैल्यू? 0.63 समथिंग थी ना, या 8 वाली थी? सर इसमें तो पुट करने के बाद कोई थ्री बात वन नहीं, वन तुम यही पॉइंट करो, वन टू रूट आ टू वाली गए। करो, रूट टू वाली करो तुम। चलो बस यही था तुम्हारे पास फॉर्मूला। जल्दी करो फटाफट, वी नॉट की वैल्यू निकाल के बताओ।
करना क्या है, तो सिंपल रूट टू इन टू में 220 वोल्ट अपॉन में एक्सएल तुम्हें दे रखा है 5H, क्यों भाई? अरे नीचे क्या वैल्यू रखोगे आप, 2 पाई इनटू में 50 और इनटू में ये 5, ये रखोगे आप एल की वैल्यू, तो अकेला नहीं रख सकते आप इसको, क्योंकि ये पूरा एक्सेल है, क्यों भाई? यस सर। तो आई नोट निकाल दो बस, सिंपल। ये क्या आ जाएगा आपका, आई नोट आ गया ना, निकल गया सर 0.62 आ रहा है। आंसर क्या है सर? 0.2 आ रहा है। आंसर क्या है? 0.2 है सर। हाँ, तेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में गिवन बोलो क्या क्या है अपने पास और क्या कैलकुलेट करना है, जल्दी बोलो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, क्या एक्सएल की बात कर रहा है या एल की? एल की। एल की, बहुत ज्यादा ग्रेट डिफरेंस होता है बच्चों। एक्सएल इज इक्वल टू में होता है 2 पाई न्यू इनटू में एल। एल जो होता है ना वो इंडक्टेंस है। नहीं आया क्या समझ में? यस। तो एल अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों, एल चाहिए अपने को यहां से, ठीक है? छठा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और यहां पे दे रखा है बच्चों अपने को वीआरएमएस 220 वोल्ट, देखो ये रही ना फ्रीक्वेंसी, और न्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी, 50 हर्ट्स। आई भी गिवन है सर। मैक्सिमम करंट यानी कि आई नॉट है, मैक्सिमम की बात कर रहा है वो, एम्पलीट्यूड है ये, इज इक्वल टू में 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों? यस सर। तो यहां से अगर I नॉट इज इक्वल टू में बोलो VRMS के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं? रूट टू इंटू में IRMS, निकालने का एक तो फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, अपने को निकालना क्या है? इंडक्टेंस सर। L निकालना है, L निकालना है सर, L की वैल्यू। सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स था ये, तो ये सारी चीजें अपने को गिवन है और एल निकालना है अपने को इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों? यस सर। अपने पास में आई नॉट है और आई नॉट इज इक्वल टू में वी नॉट अपॉन में एक्सएल कर सकते हैं बच्चों? यस सर। तो वी आर एम एस अपने को दे रखा है, VRMS इज इक्वल टू में सॉरी आई नॉट, अगर हम मैक्सिमम निकाल लें यहां से, सॉरी वी नॉट, रूट टू इंटू में VRMS। यस सर। तो यहां से रूट टू इंटू में 220 निकालो तो आपका वी नॉट आ जाएगा, और वी नॉट अपन यहां पे रखेंगे और ये इधर है ही अपने पास, क्यों बच्चों? Yes, sir. तो आई नॉट इज इक्वल टू में वी नॉट अपना कितना होगा, रूट टू इंटू में 220 अपॉन में एक्सएल, आप क्या निकालोगे 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दी हुई है, और एल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना बच्चों? और आई नॉट भी तो आपको गिवन है 1 एम्पियर, एल निकालना अब कितनी देर लगेगी? जैसे तेरे को नहीं आया समझ में,
आ गया, निकाल रहा हूँ। जल्दी कर फटाफट। सब हो गया, क्या कह रहे सब हो हो? गया, हो गया सब हो गया। हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन लो तो फिर फटाफट 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन में अपने को क्या क्या गिवन है? सेवंथ क्वेश्चन में बोलो क्या क्या गिवन आपके पास कैपेसिटेंस है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आईआरएमएस चाहिए अपने को। क्वेश्चन मार्क है आईआरएमएस के आगे, और गिवन क्या क्या अपने पास? फ्रीक्वेंसी एंड वीआरएमएस। और है कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी एंड वीआरएमएस केवल है। वीआरएमएस ओके है। पिछले हाँ वाले का आंसर आंसर बता दो भाई पिछले वाले का। इसको तो वीआरएमएस आईआरएमएस होता है बच्चों। वीआरएमएस अपॉन में क्या दे रखा है भैया? क्या अपॉन में लिखेंगे एक्सी। इसके? एक्सी क्या? यस ओके। और एक्सी जो होता है बच्चों वो होता है आपका 1/2 पाई न्यू इनटू में सी। वहां पे उसका यस वहां पे एल होता था, यहाँ पे सी होगा ना, तो एक्सी की वैल्यू तो यस 1/2 में होती है। तो गिवन क्या क्या है बच्चों अपने पास? कैपेसिटेंस है यानी कि सी गिवन है क्या? यस सी कितना है? सर जीरो 0.5 पॉइंट माइक्रोफेरेड। है 0.5 माइक्रोफेरेड। कहाँ पे? ये क्या इतना? ये रहा 0.5 μF, इतना गिवन है। तो कितना अब वीआरएमएस तो आपके पास में है 220 वोल्ट, क्यों भाई? सर तो अपॉन में वी आर एम एस सॉरी 2π ν रखना है आपको, है ना? यस सर नहीं, 2π ν क्यों रखोगे भाई आप इसमें? 1/2 में रखोगे इस सारी वैल्यू को। टू सर पाई पॉइंट सर क्यों रखेंगे? क्योंकि एक्सी की वैल्यू रखनी है ना, टू सर इंटू वो में तो ऊपर जाएंगे ना फिर। वो जाए या ना जाए लेकिन एक बार तो रखेगी यहाँ पे। यस सर फिर और फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है बच्चों, और सी की वैल्यू थी 0.5 μF इज इक्वल टू में क्या आएगा? आई आर एम एस। यस बस सर इसको कर दो, आपको जो करना है वो अब आ जाएगी आई आर एम एस। क्यों भाई? यस सर निकालो फटाफट। अब माइक्रो में कितनी पावर लगाओगे? 0.5 × 10⁻⁶। यस यस हाँ बस अब कर दो फटाफट। सारी वैल्यूज रख दी मैंने, जल्दी जल्दी करो। हो गया सर हो गया, यस वेरी सर गुड। अगला क्वेश्चन लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। छोटे छोटे यस क्वेश्चन हैं। सर ट्यू यानी के 8वें क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है? सी दे रखा है। यस सर ओके। और क्या गिवन दे रखा है? कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई, एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड है बट मैग्नीट्यूड नहीं दिया उसका। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और न्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क। सप्लाई इफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 10 ओम, यानी कि एक्सी दे रखा है ना, यस सर एक्सी दे रखा है बच्चों 10 ओम। और अगर 10 ओम इज इक्वल टू में 1/2 में 2π ν इंटू में सी, यही होता है ना बच्चों? यस सर यस
क्यों भाई? यस सर। तो फिर क्या करोगे, निकाल दो तो अब इसका। सारी चीजें तो दे रखी है आपको, सिर्फ फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है। क्यों भाई? 10 इज इक्वल टू में 1 इंटू में 3.14 और इंटू में न्यू, और ये दे रखा है आपके पास में 2 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 6। अब बस न्यू को इधर छोड़ो, बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ, निकालो फटाफट। अपन एक काम कर सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू में अपने पास में क्या होता है बच्चों, 2 पाई न्यू इंटू में सी भी लगाना पड़ेगा, सी भी लगाना पड़ेगा भाई, 2 पाई न्यू सी। तो यहां से जो हमारा एक्स सी है वो रेसिप्रोकल आ रहा है किसके, न्यू के, है ना बच्चों? देखो ना यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, ये वाला रिलेशन देखो इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। यस ओके। या फिर अब अगर इसमें से जो अपना कांस्टेंट है बच्चों वो क्या है, 2 पाई और सी कांस्टेंट है, देखो ध्यान से आप। यस सर। और न्यू है वो बदल रही है अब बच्चों, समझ में आई बात? तो अब जितने टाइम वो बदली, अगर मैं यहाँ पे x सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x सी इज इक्वल टू में यहाँ पे k टाइम्स ऑफ 1 अपॉन में v। अब वो पता नहीं अपने को कितने टाइम है, तो एक मशीन तैयार कर लेते हैं हमेशा के लिए, क्या पता वो फिर से काम आए। नहीं आया क्या समझ में? ओके तो आप इसको याद रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। तो अब अगर ये k टाइम्स हुई तो बच्चों इसको अपन k डैश मान लेंगे। इस तरह का एक एग्जांपल भी पीछे गिवन है, आई बात समझ में? मैं भी वहीं से चोरी कर रहा हूँ, आपको भी एग्जांपल पहले पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं है, पढ़ने से पहले हर किसी को तैयारी करनी चाहिए। तो k टाइम्स इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों, नई फ्रीक्वेंसी v डैश, ये तो पुराने वाले के लिए है। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? सर आ गई। तो अब k टाइम्स और पुराने वाली जो, अब v डैश जो है नई जो आ गई वो पुराने वाले की 2 टाइम्स है बच्चों, 2 न्यू, ये न्यू रखनी चाहिए, 2 न्यू रखनी चाहिए मुझे इसको। क्यों भाई? सिंपल सी बात है। यस सर। 2 न्यू होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? यस सर। तो अब जो k की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास क्या आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलो। सर k तो हमारी कांस्टेंट है ना, तो इससे 1/2c होगी। अच्छा एक रिलेशन और लिख सकते हैं क्या यहाँ से अपन? तो ये आया बच्चों, और हमारा जो ये x डैश c जो है ये हमारा किसके बराबर आएगा? अब यहाँ पे k की जो वैल्यू है बच्चों, k की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी x c इंटू में न्यू, न्यू न्यू न्यू। तो k की वैल्यू का आप यहाँ पे डाल दो, k c इंटू में न्यू अपॉन में 2 न्यू, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया बच्चों, x c अपॉन में 2 आ गया। ये रिलेशन चलेगा कि नहीं चलेगा आगे, है ना बच्चों? तो तो पिछली बार इसका कितना आया था, एक्स सी अपने पास में कितना गिवन है, 10 ओम। तो 10 ओम बाय में 2 यानी के 5 होगी बच्चों। यस सर। नहीं आया क्या समझ में? नोट कर लेना, ये रिलेशन बहुत काम का आएगा आगे। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाओ अब।
क्या क्या चीजें गिवन है बच्चों? मेरे ख्याल से मैं इस चैप्टर में ऐसे ये सारे क्वेश्चन है ना, फिर से दोबारा इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तुम्हारा, लेकिन अगर तुम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी ना बहन, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं प्रूफ दे सकूँ कि मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया था, बट तुम लोगों ने घर पे नहीं किया कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या गिवन है भाई, जल्दी बोलो फटाफट। सर कैपेसिटेंस गिवन है, वीआरएमएस गिवन है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। है कैपेसिटेंस गिवन है, वीआरएमएस गिवन है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैपेसिटेंस यानी के C इज इक्वल टू में 15 माइक्रो माइक्रो एफ 15 टू में 10 रेज टू पावर माइनस 6 यस सर। वीआरएमएस वीआरएमएस गिवन है 220 वोल्ट एंड न्यू गिवन है 50 हर्ट्स। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी क्या एक्स सी बोल रहा है वो यस सर, या खाली सी बोल रहा है? दोनों एक साथ I नॉट भी पूछ रहा है और I RMS भी पूछ रहा है। yes, नहीं पूछ रहा, देखो ना ये इन द सर्किट कंडीशन भी है सर। कोई बात नहीं, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड ओके बट आ गया ना, देखो मैंने कहा था कि ये मशीन काम करेगी अब आगे। व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, तो दोनों के क्या होगा इन पे, वो हरियाणा में कहते हैं ना इन पे क्या बिजली पड़ेगी, है ना? तो बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस से पहले अपन अगर अपने को आई आर एम एस चाहिए देखो इसमें से, तो क्या करेंगे अपन बच्चों? आई आर एम एस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? वी आर एम एस ऑन एक्स सी डिवाइड बाय एक्स सी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि अब वी आर एम एस अपने पास में है 220 वोल्ट। यस सर। बट एक्स सी अपन निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि अपने पास फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस है, दोनों चीजें हैं। तो x इज इक्वल टू में क्या होता है 2 पाई न्यू इनटू में c, तो x की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? सर निकाल सकते हैं। हाँ तो निकाल करके यहां से कर दो तो IRMS आ जाएगा, और IRMS आने के बाद उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, i मैक्सिमम नहीं आ जाएगा सर? आ जाएगा। जल्दी करो तो फिर जल्दी करो फटाफट, एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आई सर? 2.1 इनटू 10 रेज टू पावर 3 कितनी आई भाई एक्स की वैल्यू सर? 212। यस सर। तेरी मानसी ऐसे क्यों आ रही है? ओम लिखा करो इसके पीछे यूनिट के साथ, तो यहां से 212 ओम रखोगे तो आईआरएमएस कितना आ गया सर? 1.04 एम्पियर। और 1.04 एम्पियर को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? आई नॉट नहीं आ जाएगा? यस सर। देखो अब उसने लास्ट वाली जो बात पूछी है बच्चों, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड तो व्हाट विल हैपन टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस? तो अभी अभी मैंने बताया था बच्चों 1/n में न्यू के रेसिप्रोकल होती है बच्चों ये। यस सर। तो वो 10 थी तो 5 हो गई थी पिछले एग्जांपल से, देखो आप लोग अगर आप इसको डबल करोगे तो ये आधी हो जाएगी। यस सर। है ना? और करंट के साथ में क्या होगा बच्चों? और करंट डबल हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा। क्यों भाई? Yes,
समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन येलो कलर से कर रहा हूं। ओके सर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एसी एट 30 हर्ट्ज यानी के न्यू फ्रीक्वेंसी। फटाफट करा करो भाई क्वेश्चन को। द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज यानी के एक्स सी। यस सर। 80 ओम। 80 ओम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 120 ओम। आगे ये वाला क्वेश्चन कट गया है आई थिंक। विल बी 120 ओम। समझे क्या बच्चों? भाई 30 की फ्रीक्वेंसी पे ये 80 है तो 120 जो है ना कितनी फ्रीक्वेंसी पे होगा? नहीं आया समझ में सर? ये लास्ट में एक्स सी दे रखा है ना 120 ओम। हाँ एक्स सी जो है बच्चों, अब एक काम करो इसको एक्स सी 1 मान लो और इसको 2 मान लो भाई। अब क्वेश्चन ये है कि जब XC आपका 180 है ना तो सॉरी जब फ्रीक्वेंसी आपकी 30 ओम है तो XC है 80 ओम। और अब आपको पता करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी अपनी होनी चाहिए जब 120 ओम आपका XC हो। क्यों भाई? यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। XC1 का जो है ना रेसिप्रोकल होता है बच्चों, हमें पता है कि 1/(new) होता है, 1/(new)1। इसको न्यू 1 मान लो। क्यों बच्चों? अरे आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। और XC2 जो है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो या फिर इज इक्वल टू में न्यू 2। तो ये कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? XC जब 80 है तो ये 1/30। यस सर। तो अब ये आप मान लो कि 120 इज इक्वल टू में न्यू। अरे उल्टा ही तो होगा ना, काटा पिट्टी कर लो इसके साथ में। ओके सर। ये इधर आ जाएगा 30 से तो 4 पे गया ये, है ना बच्चों? और ये कितने पे गया? 20 पे। 20 आ गई न्यू फ्रीक्वेंसी। कितनी आती है सर? 20। बस ठीक है तो फिर और क्या? 20 सर। नहीं समझे? यस सर। यस सर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बच्चों? एक कैपेसिटर यानी के सी दे रखा है। Yes, ये जस्सी तो है ना, इसके पापा को फोन करूंगा अभी मैं। VRMS इज इक्वल टू में है 220 वोल्ट। 220 न्यू भी है 30 हर्ट्ज। अच्छा और न्यू इज इक्वल टू में है 30 हर्ट्ज। वी नॉट निकालनी है, वी नॉट निकालनी है बच्चों अपने को। वी नॉट Across the capacitor also calculate the RMS value of current यानी के IRMS भी हमें find out करना है। ठीक है क्या बच्चों? Okay तो IRMS तो यहीं से तुरंत आ सकता है अपना, क्योंकि अगर हम VRMS divided by क्या कर दें XC। क्यों भाई? capacitor वाला circuit है ना हमारा। Yes, तो क्या आप XC नहीं निकाल सकते? XC इज इक्वल टू में 1/2πν(c) दोनों चीजें आपको दे रखी है तो VRMS नहीं आ जाएगा? सर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी करो फटाफट फिर। तो 1/2πν(ν) की वैल्यू है 30 हर्ट्ज और C की वैल्यू है बच्चों 10μF। 10 into 10 raised to power -6। IRMS इसमें से निकाल दो फटाफट। ठीक है बच्चों?
तो आई आर एम एस ही तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए। और उसने वी मैक्सिमम ही तो पूछा है, और जब वी आर एम एस आपके पास में दे रखी है तो वी नॉट इज इक्वल टू में वी आर एम एस इंटू में रूट टू, तो वी आर एम एस तो आपके पास में है ही, वी नॉट निकालना है। तो दोनों चीजें आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। स्कूल में करवाए थे तुम्हारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल है मानसी? नो सर, सर ये वाले चैप्टर के इतने नहीं कराए थे। नहीं तो अब मैंने तो रटवा दिया होगा पूरा चैप्टर। सर, जल्दी जल्दी निकालो भाई फटाफट। निकल गया क्या? तो यस सर। जैसे कोई क्वेश्चन निकला है तेरा? यस सर, सारे निकाल रहा हूँ। सही हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बच्चों। क्या क्या कह रहा है वो, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है इतना फटाफट। वीआरएमएस हाँ गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, करंट ऑफ इंडक्टर। जल्दी बोलो जल्दी, करंट कितना है हमारे पास सर्किट में? 0.5 एम्पियर, जीरो पॉइंट फाइव फाइव एम्पियर एम्पियर ओके। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू में वी आर एम एस अपॉन में टोटल टोटल रेजिस्टेंस यानी के जेड। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? यस और जेड इज इक्वल टू में क्या हो सर, जाएगा, वी आर एम एस अपॉन में आई आर एम अपॉन एस। में IRMS तो वी आर एम एस कितना है बच्चों आपके पास? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, और करंट कितना है? 0.5, जीरो कट के पॉइंट 24 आ फाइव गया। यस सर। 24 ओम जो है वो क्या है बच्चों आपके पास में? जेड जेड आ गया आपके पास में। तो अब एंड करंट इन द इंडक्टर इज इतना, व्हेन सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस सर ए डायरेक्ट। 24 है, यहाँ पे 20 नहीं है, है बेटा? हाँ 24। 24 ओम है, बाद में गलती हो जाएगी आगे अपनी। व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड ए डायरेक्ट करंट सप्लाई 12 वोल्ट, इट ड्रॉज 1.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। क्या क्वेश्चन समझे भाई आप लोग? अब की बार अब क्या करा है कि इस वाले जो है ना इंडक्टर को निकाल करके, है ना? नहीं समझे क्या बच्चों? पिछले वाले को निकाल यस करके ना सर, अब ये बोल रहा है एंड करंट इन द इंडक्टर इज इतना, व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायरेक्ट सप्लाई। पहले क्या था अपने पास में?
एसी सप्लाई में था, अब की बार डीसी सप्लाई में डाल रहे हैं हम लोग इसको, तो अब ये करंट कर रहा है 0.5, तो अब की बार में जेड जो होगा बच्चों वो कितना होगा हमारा 12 वोल्ट अपॉन में 1.5 एम्पियर, तो जेड की वैल्यू आएगी ना, इसको काटो कितना आएगा 0.15 8 एम्पियर, ठीक है ना भाई, 15 8 120 ऊपर जीरो लगा हुआ, तो अब की बार आ गया कितना अपने पास में 8 ओम, सॉरी एम्पियर नहीं, ये ओम आएगा, ये जेड ओम में आता है ना बच्चों, नहीं आया क्या समझ में सर? नहीं आया क्यों? नो सर नहीं आया सर, ने फिर दूसरे केस में क्या किया? क्या दूसरे केस में क्या किया? 120 डिवाइडेड बाय 15 वाले में, अरे 120 ये पॉइंट का 120 किया मैंने, वो 12 था हटाने के लिए, 12 अपॉन में 120, क्वेश्चन को पढ़ो, एक इंडक्टर जो है ना, एक इंडक्टर को हमने एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, पहला देखो ये दोनों में फर्क क्या है, ये तो मान लेते हैं अपन इंडक्टर है, सेम इंडक्टर, और इसको हमने एसी के साथ अप्लाई किया और वो थी 12 वोल्ट, फिर इसी इंडक्टर को हमने डीसी के साथ दिया, डीसी होती है ये, दोनों में ये डिफरेंस है, आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, yes, तो जब इसके साथ में किया ना, तब उसने इस टाइम पे करंट दिया आई इज इक्वल टू में 0.5, और यहाँ पे दिया करंट कितना 1.5, दोनों में ये डिफरेंस है, नहीं समझे क्या बच्चों? यस सर, आप समझ में आई बात? यस सर, है ना, तो दोनों की अगर मान लो अलग अलग थी अपने पास में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो कितना है अपने पास में? है बच्चों सर 8 ओम, एक एक बार में तो 8 ओम आया, और एक बार में कितना आया? 24 ओम आया, ठीक है ना? यस सर, ठीक है बच्चों, ये है हमारा, ये है हमारा, ये वो इंडक्टर है, ठीक है, समझ में आई नहीं आई बात? हाँ, वो इंडक्टर है हमारा, और सोर्स है अपने ये 50 हर्ट्स उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये जो इंडक्टर है ना, एंड द करंट इन द इंडक्टर इज इतना, पहली बात इतनी देखो, तो ये मैंने अप्लाई करके वीआरएमएस अप्लाई करके बच्चों टोटल इंडक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब वो ये बोल रहा है कि व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायरेक्ट करंट सप्लाई ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है, इसी तरह का सेम जो था ना वो हम कहाँ पे लगा रहे हैं 12 वोल्ट में, तो एक दूसरा जो इंडक्टर है ना उसका रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया बच्चों 8 ओम जो यहाँ पे लगाया था, ठीक है, इट ड्रॉज फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, समझे कि नहीं समझे? ये और ये वाला मिला करके इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आया वो 24 ओम आया, नहीं आया समझ में? यस यस, तो देखो अब हम अप्लाई ये कर सकते हैं बच्चों कि अगर रेजिस्टेंस की अगर बात थी तो आई यहाँ पे होता है और इसी के अलोंग वी आर भी तो होगा, और वी एल किधर होगा हमारा? इधर, तो इनका रिजल्टेंट आएगा भी इधर, क्यों बच्चों? Yes, आएगा, तो इनका इनका जो जेड आएगा बच्चों वो जेड हमारा क्या होना चाहिए? अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल का स्क्वायर। Yes, sir. तो जेड कितना आया हमारा 24? Yes, sir. और आर कितना आया हमारा 8? 8. और ओमेगा एल कितना आया? ओमेगा एल का स्क्वायर, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2π ν। yes, तो 24 इज इक्वल टू में अंडर द रूट 64 प्लस में 2π ν, और L आपको फाइंड आउट करना, बाकी सारी चीजें दे रखी हैं बच्चों, इसका स्केयर हटा करके इस तरफ कर लो, ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया बात बच्चों? तो L की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से। यस सर। निकालो जल्दी से फटाफट। 14 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है बच्चों। तो ये तो हो गया रजिस्टर और ये हो गया इंडक्टर, ठीक है बच्चों? और सीरीज में है एसी पावर सप्लाई के साथ इनको कनेक्ट कर दिया गया बच्चों। ये लो एसी सप्लाई, जुड़ गए ना। ये एल है, ये आर है। द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज 2 एम्पियर। क्या दे रखा है बच्चों? IRMS? यस सर। यस सर। सच्ची बताओ? यस सर। कितना है IRMS? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और बोलो, कैलकुलेट द नेट इम्पीडेंस। नेट इम्पीडेंस जेड निकालना है। और जेड क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल का स्क्वायर। याद रखो इस बात को, क्योंकि यहाँ पे दो ही सर्किट है। अब इसका फेजर अगर बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे आई और इसके अलोंग में ही वी आर, और इधर क्या हो जाएगा? वी एल। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वी एल लीड करेगा। आगे बात समझ में? यस सर। ओके देन। तो बच्चों, छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में इफ सर्किट वोल्टेज, सॉरी, इफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड रजिस्टर आर 100 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे है 100 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पे है बच्चों 80 वोल्ट। तो हमने तो इनका इनकी जो ये आ गया रिजल्टेंट V, और V इज इक्वल टू में क्या निकाला था हमने? वी आर प्लस में वी एल जे, है ना, जे कैप। यस, बिल्कुल सही बात। तो प्लस में आएगी ये वाली बात, ठीक है ना बच्चों? तो वी आर एम एस, अब वी आर एम एस अगर अपने को निकालना है बच्चों तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अंडर द रूट क्या करोगे? अंडर द रूट क्या करोगे जल्दी बोलो? 100 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर। यस सर। बच्चों ये क्या आ जाएगी अपने पास में? वी नहीं आएगी, वी आर एम एस आएगी ये। क्यों भाई? यस सर। तो जल्दी निकाल दो बस फटाफट, वी आर एम एस कितनी आएगी फटाफट? वी आर एम एस कितना आया? 128.06। ओके, तो अब करंट अपने को गिवन है ना, तो नेट इम्पीडेंस देखो यहाँ से पूछ रखा उसने, नेट इम्पीडेंस। तो वी आर एम एस आ गई 120। बहन कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से चेक करी है ना? यस सर, दो बार करी है। ओके, तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा? माफ कर देंगे इसका, आई आर एम एस 2 एम्पियर है ना? हाँ, 2 एम्पियर। तो इसको काट दो, जो भी आएगा वो तुम्हारा नेट इम्पीडेंस आ जाएगा। यस सर। आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 15। एक आर एल सर्किट इज कनेक्टेड एसी सप्लाई 120 वोल्ट, यानी के आर और दूसरा है बच्चों एल, ठीक है? और एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज एल एंड दिस इज आर। तो गिवन बोलो फटाफट क्या है बच्चों? ये है तुम्हारी वी आर एम एस इज इक्वल टू में 120 वोल्ट। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी गिवन है इस सोर्स की, न्यू इज इक्वल टू में 50 हर्ट्स। यस सर। अच्छा, और कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इफ सर इफ द सॉरी फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इफ द कर इन द सर्किट इफ वैल्यू ऑफ आर एंड इज R एंड L की वैल्यू। बच्चों R की वैल्यू तो है 10 ओम और L की है बच्चों कितनी? 0.01 है। रिस्पेक्टिवली आल्सो फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो बच्चों फेज डिफरेंस पता करना है अपने को।
है ना? यस ओके। तो अपने पास L गिवन है ना, ये L इज इक्वल टू में 0.01 हेनरी। यस सर। ये x x L यहां से अपन नहीं निकाल सकते क्या? 2 पाई न्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। यस सर। इनटू में L कितना है? 0.01 हेनरी। तो जरा बता दो भाई एक बार कितना आएगा ये? सर 3.14। 3.14 ओम। अच्छा यस सर। अच्छा अपने को फेज डिफरेंस पता करना है ना? तो यस सर। फेज डिफरेंस अगर मान लो अपने को पता करना है बच्चों, तो कैसे पता करेंगे बच्चों फेज डिफरेंस के लिए? यानी कि ये 5 पूछ रहा है, नहीं आया क्या समझ में? यस सर। हाँ, और अब अगर मान लो फाई की बात है, तो बच्चों एक बार फेजर डायग्राम बना लें, ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी से आ जाएगी चीजें। तो वी आर इधर और वी एल इधर, और ये होगी तुम्हारी वी जो के बनाएगी बच्चों फाई। तो फाई इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स वी एल बाय वी आर। यस सर। है ना बच्चों? या फिर अगर अपन बोले तो वी एल और इसमें आई से आई कट जाएगा, तो यानी के ओमेगा एल बाय आर की बात ही तो हो रही है। यस सर। तो भाई दोनों की वैल्यू आप डालोगे तो? यस सर। तो बच्चों टेंजेंट फाई आपका जो है ना ओमेगा एल। अब अपन ने क्या एक्स एल तो निकाल ही लिया सच, यहाँ पे देखो ना 3.14 आ गया, और R निकालना बाकी आपके पास में, वो 10 ओम है ही। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 0.314। तो टेंजेंट इनवर्स, अब भाई ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी इज इक्वल टू में 5। क्यों बच्चों? जल्दी वैल्यू देख करके बताओ। yes, sir. जल्दी वैल्यू देख करके बताओ। टेबल में वैल्यू चेक करो। क्या हुआ? टेबल में वैल्यू नहीं चेक करनी आती क्या? अरे टेंजेंट में जाकर के 3.14 को देख लो कहां पे आएगा। 0.31 और 4 का मीन डिफरेंस चेक कर लो, नहीं आया क्या? अरे कोई बोल नहीं। यस सर। है 0.6104। 6104। हट, पागल हो रहे हैं, ये वैल्यू आएगी नहीं। अरे टेंजेंट की टेबल में 0.314, 31 और 4 के नीचे उसकी जो है ना वो देख लो, 4 के नीचे आएगी, सॉरी ऊपर 4 सेकंड वगैरह जो चल रही होंगी, नीचे वैल्यू देखो। अरे नहीं मिली क्या? So 17.4 डिग्री। पता नहीं भाई मेरे को, आंसर चेक करो कितना आ रहा है। आंसर चेक करो। सही है। 17.4 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? टेबल देखनी सीख लो भाई। कहाँ पे देखी रहे कुणाल? अरे इधर इधर चल रहे होंगे, या इस वाले कॉलम में टेंजेंट नेचुरल टेंजेंट की वैल्यू देख रहे होंगे ना, तो 4 के नीचे वैल्यू चेक करनी थी। क्यों भाई? यस सर, वहां पे देखनी थी, यहां पे 314 आ रहा है। बस आ रहा है। तो अब देखो आ गया ना,
देखो फेजर से कितना आराम से आ गया क्वेश्चन। नहीं समझे क्या बच्चों? यस सर। फेजर, अगर फेजर फेजर यूज करना आ गया ना जिस बच्चे को, है ना भाई, तो सारी कहानी आ जाएगी, सब सब कुछ आ जाएगा। अच्छा उसके बाद में और क्या निकालना बाकी रह गया बच्चों? और क्या पूछा है उसने? करंट इन अ सर्किट। करंट इफ मैक्सिमम करंट 8 एम्पियर, तो आई आर एम एस दे रखा है ये, तो फिर तो आई आर एम एस इज इक्वल टू में वी आर एम एस अपॉन में जेड, और जेड तो निकालो फिर आप लोग, इसका जेड निकालो, जेड तो अपने आप ही निकालना आएगा कि नहीं आएगा? जेड इज इक्वल टू में क्या होता है? अंडर द रूट आर का स्क्वायर अपॉन है, ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओह सॉरी मैं तो भूल गया बहन, तो इसमें क्या निकालना था फिर? ओह आल्सो फाइंड करंट इन सर्किट, हाँ तो इसका भी सेम ही तो है फिर, ये है ना। अरे आ रही है क्या आवाज? तो जेड निकालो, जेड निकालो, इसका दोनों का सेम ही निकला ये तो बाई चांस, तो आई आर एम एस जेड निकालो फटाफट। जेड क्या होता है? आर का स्केयर प्लस में ओमेगा एल का स्केयर, क्यों भाई? यस yes. तो बस जो आएगा जेड उसके साथ इसको डिवाइड कर देना, आई आर एम एस आ जाएगा आपके पास में। करंट निकालना है वी आई आर एम एस, निकालो फटाफट। एक कंडक्टर और एक रेजिस्टेंस 80 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द इंडक्टेंस इफ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 50। तो टोटल इम्पीडेंस बोल रहा है क्या ये? Yes, नहीं, टोटल इम्पीडेंस कैसे yes, बोल रहा है सर? रेजिस्टेंस। ओके गिवन गिवन देखो बच्चों क्या क्या चीजें हैं, पहले तो ये बताओ, यानी कि जेड गिवन है अपने पास 150 ओम का, ये गिवन है अपने पास। अच्छा रेजिस्टेंस आर इंडक्टर का, एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, इंडक्टर का मतलब क्या बच्चों? आर 80 ओम, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को न्यू इज इक्वल टू में कितनी बच्चों? 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, अच्छा ये चीज तो अपने को गिवन ही है, तो क्या निकालना है अपने को? इंडक्टेंस निकालना है बच्चों। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी के एल एक्सएल है, सॉरी एल, एल निकालना है बच्चों, एल निकालना है अपने को, एल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो जेड, जेड जो होता है बच्चों अपने पास में वो क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी अपना काम करके दिखाएगी 2π और 50 इंटू में एल का स्क्वायर, और जेड अपने पास में 150 दे रखा है बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। क्यों भाई? तो यहां से और आर भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, एल का, एल की वैल्यू नहीं निकाल लोगे आप लोग? यस सर। 150 इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर प्लस में, कभी तो बोल दिया करो कि सर आप रहने दो बस, अब मत करो, कोई भी चिल्ला के नहीं बोलता, बस अब कर दो फटाफट, अब इसमें क्या रह गया तो? ओके सर। हाँ जल्दी जल्दी करो फटाफट अब। क्या हुआ? हो गया सर। हो गया, शाबाश। yes, 18 वाले पे आ जाओ फिर। 18 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आरएल सर्किट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 30 एम्प सप्लाई, द वोल्टेज लीड द करंट बाय 60 डिग्री। ओके तो यानी के फाइ दे रखा है इसमें,
यस सर। यहाँ पे आ रहे बच्चों हम लोग, यानी के फाइव दे रखा है, अब की बार फाइव दे रखा है, कितना है बच्चों 60 डिग्री। यस सर। ओके देन। अच्छा भाई, जब जब भी फाई ध्यान में आए ना, तो एक बात याद रखा करो, फाई का मतलब ये हुआ कि टेंजेंट इनवर्स अगर आरएल सर्किट है तो ओमेगा एल बाय आर होता है ना। यस सर। क्यों भाई, ये सारी बातें ध्यान में रखा करो। यस सर। यस सर। हाँ अच्छा, और क्या दे रखा है, वीआरएमएस दे रखी है। वीआरएमएस इज इक्वल टू में कितनी है बच्चों, 12 वोल्ट, है ना भाई। यस सर। ओके, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू इज इक्वल टू में कितनी, 30 हर्ट्ज़। बोल तो दिया करो कम से कम, गिवन में तो जबान चला लो। अरे ये मेरे को ही ज्यादा आएंगे, तुम्हें नहीं आएंगे, मैंने तो पिछले साल भी करे थे, मेरी तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एंड एल इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। यस। तो आई क्या दे रखा है बच्चों अपने पास में, आई आर एम एस है ना ये तो। Yes, पूरे सर्किट के अंदर हो रहा 0.5 एम्पियर। तो अब निकालना क्या क्या अपने पास में, आर और एल की वैल्यू निकालनी है, ये और ये, है ना बच्चों। Yes, ओमेगा एल। अब सुनो ध्यान से, हम लोग सबसे पहला काम जो है बच्चों क्या करेंगे, अपने को निकालना है, एक तो आर निकालना है और एक एल निकालना है। आर और एल निकालने के लिए अपने को जो है बच्चों, अच्छा ये चीज तो अपने पास में आ ही गई ना, अब ये क्या होती है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू में ओमेगा एल अपॉन में आर, और टेंजेंट फाई यानी के टेंजेंट 60 डिग्री यानी के √3। यस सर। और ओमेगा ओमेगा एल कितना होगा बच्चों, ओमेगा एल 2 पाई 30 इनटू में एल कितना है, एल गिवन है क्या अपने पास, एल तो निकालना है, एल निकालना है सर। तो इसको एक्सेल ही ले लो फिर आप। Yes, sir. इसको आप एक्सेल ही ले लो, एक्सेल तो आप लिख ही सकते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेल बाय ये आर कितना है अपने पास, आर भी निकालना ही है अपने को, आर भी निकालना है सर, आर भी निकालना ही है अपने को। तो एक्सेल अपॉन में आर इज इक्वल टू में √3 आ गया, ये तो लिख ही सकते अपन। तो एक्सेल इज इक्वल टू में √3 इंटू में आर, क्यों बच्चों। यस सर। अच्छा अब आप देखो बच्चों, अपने को और क्या क्या चीजें दे रखी है, वी आर एम एस है, आई आर एम एस है, तो जेड निकाल सकते हैं ना अपन टोटल का। जेड इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, वी आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस। यस सर। यहाँ से बोलना जरा बच्चों, 12 और 0.5 24 आ गया बच्चों, 24 ओम। यस सर। 24 ओम इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, इसको अपन एक्सेल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये क्या होता है आर स्केयर एक्सेल का स्केयर, नहीं आएगा समझ में बच्चों। यस सर। 24, अब एक्सेल हमारा किसके उसमें आ गया, आर स्केयर, और एक्सेल को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 आर का स्केयर, नहीं आया क्या समझ में बच्चों। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी ना। यस सर। है ना, नहीं मिल जाएगी, अरे जल्दी से आर की वैल्यू निकाल दो फटाफट, कितनी आएगी, 12 आएगी। आर इज इक्वल टू में 12 आ गया बच्चों, और आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो इसमें अब, तो एक्सएल इज इक्वल टू में √3 आर था ना आपका। यस सर।
तो एक्सएल को आप लिखो 2π ν इंटू में एल इज इक्वल टू में रूट थ्री इंटू में आर कितना है आपका 12, तो यहाँ से आपको न्यू दे रखा है ना, तो एल इज इक्वल टू में क्या आएगा रूट थ्री इंटू में 12 और अपॉन में ये न्यू कितना दे रखा था 50 था क्या 30 था भाई 30 था, तो बच्चों 2π इंटू में 30। अब ये काटा पिट्टी करो एल आ जाएगा आपका, नहीं आया क्या समझ में? सर आ गया, आ गया सर, आ गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, जितनी जल्दी हाथ चलाओगे ना उतनी जल्दी छुट्टी होएगी। क्वेश्चन नंबर 18 था क्या ये? यस सर। ओके, एल निकाल दिया भाई? यस सर। अरे आंसर भी देख लेना भाई, आर की वैल्यू कितनी आई थी पिछले की चेक करना एक बार जरा, आर की वैल्यू कितनी आई थी? बस ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 19। अरे ये चैप्टर तो रट गया होगा तुम्हें एसी सर्किट का, एसी करंट का, अब तो कुछ चीजें आ गई होंगी समझ में। यस सर। फेजर ग्राम से सारी चीजें इजी हो गई हैं। यस सर। ओके देन, तो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर कितने पे? 19 पे। एक सी दे रखा है बच्चों, ये तो फिर गिवन है सर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर है ये 19 वाला, सी गिवन है बच्चों, तो पहले अपन लिख लेते हैं जो जो चीजें गिवन है। सी इज इक्वल टू में 10 μF है, और क्या है बच्चों? रेजिस्टर। आर आर गिवन है बच्चों, आर इज इक्वल टू में 15 ohm एंड वीआरएमएस गिवन है, वीआरएमएस गिवन है बच्चों 220 volt, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है सर, और न्यू इज इक्वल टू में 50 Hz। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई निकालना है। बताओ अब ये भी मैं ही करवाऊं क्या? नो सर। तो वीआरएमएस कैसे निकालोगे सर? आईआरएमएस। हां सॉरी, आईआरएमएस। IRMS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? VRMS अपॉन में Z निकालना पड़ेगा ना, तो पहले Z निकाल लो। Yes, sir. तो Z कैसे निकालोगे आप? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। हाँ, XC दे रखे है ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो पहले Z निकालना पड़ेगा क्योंकि VRMS तो आपको दे ही रखा है। Yes, sir. है ना, और जेड yes, निकालने के बाद में तब आपका आरएमएस आएगा। क्यों बच्चों? yes, तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया बच्चों 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2π, और फ्रीक्वेंसी है बच्चों 50 में, और इंटू में 10⁻⁶। यस सर। ठीक है, इसको एक 10 और लिख लेना भाई, 10 × 10⁻⁶, क्योंकि ये 10 है ना। yes, sir. इस पूरे का भी स्केयर होगा, फिर ये आ जाएगा आपका जेड। जेड की वैल्यू बोलो कितनी आई सर? अप्रोक्सीमेट 319 ohm आई। अप्रोक्सीमेट है क्या? 319 ohm। ओके, तो अब बस इसको क्या करो, वीआरएमएस कितनी दे रखी है अपने को? 220 वोल्ट ना, तो इसको 319 से डिवाइड कर दो तो आपका करंट नहीं आ जाएगा क्या? IRMS पॉइंट जो भी आएगा। यस, कितना आया करंट अब सर? 0.689 आया, इस इक्विवेलेंट 9 समथिंग एम्पियर में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 कौन कौन करना चाहता है? ओके, तो फिर फटाफट गिवन गिवन बताओ क्या क्या आ रहा है इसमें।
सर आर गिवन है, आर गिवन है, कैपेसिटेंस भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 है के 20 है ये 20 ओके 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 क्वेश्चन नंबर 20 आर गिवन है, आर कितना है, आर 200 ओम, आर इज इक्वल टू में 200 ओम ओके सर 200 हां सी भी गिवन है सर 15 माइक्रो एफ और कनेक्टेड इन सीरीज में 220 वोल्ट में, तो सीरीज में है बच्चों क्या क्या, आर और सी है तो ये है आर और ये है बच्चों सी, तो फेजर डायग्राम अगर इसका बनाएंगे तो कुछ यू बनेगा, यस ठीक है ना बच्चों, इस तरफ होगी हमारी वी आर और इस तरफ होगी हमारी VC, ठीक है क्या बच्चों? Yes, और इनका इनका रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से, तो फाई कहाँ बनेगा, इधर रेफरेंस लाइन के साथ में फाई, तो अब ये क्या होगा माइनस जे, ऑपरेटर क्या रखोगे माइनस जे, अरे बच्चों नहीं आया क्या समझ में, यस बहुत काम की थी, फेजर डायग्राम बनना चाहिए, अच्छा और क्या क्या है बच्चों, ये अपना सी हो गया, ये अपना आर हो गया, और क्या है, वीआरएमएस गिवन है, वीआरएमएस कितनी है बच्चों 220 वोल्ट, और बोलो क्या क्या है, ओके न्यू भी गिवन है, तो ये है अपने पास में 50 हर्ट्ज, अब निकालना क्या क्या है अपने को ये बताओ, IRMS ओके और भी कुछ है क्या, VRMS बस ये दो चीजें निकालनी है अपने को, yes, बच्चों VRMS सब निकालने से पहले अपने को Z निकालना पड़ेगा क्योंकि है ना, ये देखो अपने अपने को दे रहे, VRMS क्यों निकालना पड़ेगा, वो तो दे रखी है रेजिस्टर और कैपेसिटर, अच्छा अच्छा तो ये तो दे रखी, तो पहले Z निकालना पड़ेगा अपने को, yes, और Z इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों अपने पास में, ये तो दे रखा है 200 का स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन में 2 पाई और न्यू कितना है 50 और सी भी तो डालना पड़ेगा 15 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर, तो जेड निकाल दो बच्चों फटाफट, जेड निकाल दो फटाफट 20 वाले क्वेश्चन में ना, तो जेड जैसे ही आएगा क्या करना है अपने को, IRMS उससे आ जाएगा अपना, तो 220 वोल्ट से हम इस जेड को डिवाइड कर देंगे, IRMS आ जाएगा अपना, yes, sir. निकालो जल्दी से, जेड की वैल्यू आई आपकी 291 पॉइंट कितनी, 4 5 मान लो भाई, दोनों के एवरेज मिला लो बस, ठीक है, यस सर ओके, अब क्या करना है अपने को, 220 को हम डिवाइड कर देंगे 291.5 से, तो IRMS आ जाएगी ना, Yes, जरा काट के बताना इसको कितनी आएगी सर, 0.754 पॉइंट, इसको इससे काटा तो 0.754 IRMS आ गई, अब आप ध्यान से देखो, उसने ये पूछा है
यहाँ पे कैलकुलेट द वोल्टेज, 20 वाले का देखो यही आ रहा आंसर, 754 एम्पियर आ रहा है ना। Yes, sir. तो अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर देखो, अब सुनो ध्यान से, ये क्या था अपना दूसरा कैपेसिटर था ना, तो ये रहा कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होगा, आई इंटू में आर होता है ना। अरे तो उसने क्या पूछी है, वी आर एम एस पूछी है ना इन रजिस्टर। तो इसका इसका जितना भी रजिस्टेंस होगा और आई आर एम एस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर एम एस आ जाएगा ना, और इसका क्या होगा वी सी, तो आई आर एम एस इंटू में एक्स सी। अरे क्यों भाई, यही तो होना चाहिए ना, आई आर एम एस को एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स सी कितना है आपका, वो ये है, एक्स सी गिवन है क्या आपके पास सर, निकाल ले कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी, समझ गए ना आप लोग क्या करना है अभी। आई आर एम एस तो आपके पास में आ गया, और आर गिवन है, आर तो गिवन ही आपके पास 200, तो 0.754 को 200 से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है, देखो ये इतनी वैल्यू आ रही है पहले की, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगी, और एक्स सी आपको निकालना ही आएगा। तो एक्स सी क्या होता है आपके पास में, 1/2πν(c), जो भी वैल्यू आएगी उसको आर से मल्टीप्लाई कर देना आई आर एम एस से, क्यों भाई। Yes. हाँ तो आपकी आ जाएगी, जल्दी जल्दी निकालो फटाफट। नहीं निकाल रहे क्या, निकाल रहे। क्वेश्चन नंबर 21, एन ए सीरीज आर सी सर्किट, फिर से दे रखा है बच्चों आर और सी, ठीक है बच्चों। Yes, तो आर सी सर्किट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है अपना ये वाला, ठीक है भाई, 21 नंबर क्वेश्चन। तो क्या क्या गिवन है, गिवन बोलो फटाफट, वी आर एम एस सर, वी आर एम एस फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट, और क्या है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू में 50 हर्ट्ज, आर दे रखा है, है 100, आर दे रखा है 100, आर दे रखा है बच्चे 100, और कैपेसिटेंस देखा 20 माइक्रोफैराड, 20×10⁻⁶, ठीक है क्या बच्चों। ओके ओके, और अरे ये तो बता दो, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो यहां पे जो है ना बच्चों, अपने को निकालनी है वी आर, क्यों भाई। और वी आर इज इक्वल टू में क्या होगी, आई आर एम एस इंटू में आर इंटू में 100, इस वाले की निकालनी है बच्चों टोटल की। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, क्यों भाई। Yes, और आई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जेड इज इक्वल टू में वी आर एम एस बाय जेड, सॉरी आई निकालने के लिए आई आर एम एस वी आर एम एस बाय जेड निकालना पड़ेगा अपने को, क्यों भाई। Yes, नहीं yes, समझे क्या बच्चों, yes, हाँ, चीज को पहले देखना चाहिए भी अपने पास में क्या चीज है और कैसे निकल सकती है। तो आई आर एम एस निकालना है अपने को, वी आर एम एस बाय में जेड करना पड़ेगा। तो जेड यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो इसका, और जेड इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट आर का स्क्वायर अपॉन में 1/2 2πν(c). यस सर, का होल स्क्वायर। तो जेड निकाल दो और इसे डिवाइड कर दो, और यहाँ पे आई जब आ जाएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं आ जाएगा। Yes, और भी कुछ पूछ रखा है क्या उसने, हाँ बस सिर्फ यही है, क्यों भाई। और कैपेसिटर भी है भाई, और कैपेसिटर का भी है, और वीसी भी पूछ रखा है। Yes, फिर से रिपीट हो रहा है वही क्वेश्चन 21 वाला, जल्दी करके बताओ।
लड़की वाले 188 आई किसकी, ये जेड कितना आया सर? 188 जेड इज इक्वल टू में आया 188 और वीआरएमएस अपने को दे रखा था 220 तो इसको इससे काटा आईआरएमएस कितना आ गया सर? 1.17 1.17 एम्पियर। अब करना क्या है, इस आईआरएमएस को इसके साथ अगर वीआर आपको निकालना है तो क्या करोगे? 1.17 इंटू में 100 बच्चों, यस और वीसी, वीसी अगर आपको निकालना है तो 1.17 इंटू में एक्सएल एक्ससी सॉरी है ना भाई, और एक्ससी आपने यहां से निकाल सकते हो। एक्ससी क्या होगा आपका? 1 अपॉन में 2 पाई न्यू इंटू में सी। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ फिर। क्या क्या कह रहा 22 नंबर क्वेश्चन? बोलो 22 नंबर में क्या है सर? एक्स ही निकालना है इसके अंदर बस है, इसके अंदर एक्स ही निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन का, पिछले वाले क्वेश्चन का एक्स ही। यस इन कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर इफ वैल्यू ऑफ आर एंड सी इज 100 ओम एंड 20 रिस्पेक्टिवली। सर क्या है, कौन सा पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन? 21 करना है कि 1 करना है? 22। अच्छा 1 वाला तो हो गया सच। इन आर सी सीरीज सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस, इसमें से गिवन बोलो क्या क्या है आपके पास में? एक तो आर है, फेजर कैसे बनेगा इसका? फेजर नीचे की तरफ और इधर, नेगेटिव जे में और आई में। हाँ नेगेटिव जे में और आई में, और इसका ये है आपका वी आर और ये है आपकी वी सी और ये है वी और यहाँ पे बन रहा है आपका फाइव। ठीक है बच्चों, ये सी और आर। ओके देन तो यहाँ पे आपको वी आर एम एस गिवन है बच्चों? यस सर। वी आर एम एस बोल, बोलते जाया करो फटाफट। 750 वी आर एम एस गिवन है। और बोलो क्या क्या है? एनसी 70 एच जेड। और बोलो क्या क्या गिवन है? आर गिवन है। आर कितना है? 820। और बोलो क्या क्या गिवन है? वी आर गिवन। ये वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे दे रखी है सिर्फ ये वाली, ध्यान रखना। तो वी आर यानी के ये वी आर है आपके पास में कितनी? 100 वोल्ट। और वी आर होती है बच्चों इज इक्वल टू में आई आर एम एस इंटू में आर, याद रखना। R. क्यों भाई? Yes, sir. कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी के अब ये निकालनी है आपको VC, और VC क्या होती है बच्चों? VC बोलो क्या होती है? IRMS into XC. Yes, IRMS into में XC. आगे बात समझ में? और VR is equal to में IRMS into में R. है ना? तो बच्चों वी आर एम एस अपने को दे रखा है और न्यू दे रखी है, तो इसका मतलब जेड फिर से निकालना पड़ेगा अपने को। यस सर। क्यों भाई? सर हाँ, ये बिना जेड निकाल के भी हो सकता है? बिना जेड के हाँ हो सकता है, अपन वीसी निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे फेजर डायग्राम में देखो वी आर है ना अपने पास। Yes, और क्या है? और वी है, वी है, वी आर एम एस रहे। तो बच्चों वी वी जो होती है ना अपने पास में वो क्या होती है? इन दोनों का अंडर द रूट किया हुआ, यानी के वी आर का स्केयर प्लस में वी सी का स्केयर, यही तो होती है। Yes, sir. तो वी सी यहाँ से आ जाएगा अपने पास में, तो
वीआरएमएस कितनी अपने पास 150 है ना बच्चों, तो वीआर कितनी है, वीआर कितनी है अपने पास 100 का स्क्वायर और प्लस में बच्चों वीसी का स्क्वायर, तो वीसी वाली निकाल दो फिर यहाँ से बस। यस सर। क्यों भाई? यस सर। निकालो फटाफट। फेजर का देख लो, यही फायदा हुआ सबसे बेस्ट। जल्दी जल्दी निकालो, वीसी की वैल्यू आई बच्चे 111.80 वोल्ट। एग्जैक्टली यही आ रही है क्या? यस सर। ओके, अब क्या निकालना है? और बोलो क्या निकालना है सर? और कुछ नहीं निकालना। Okay. यही निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 23। इन प्रीवियस प्रॉब्लम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि XC की निकालना है सर। क्या निकालना है? XC निकालना है बच्चों। तो क्या होगा XC? देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चों? वी आर एम एस, वी सी कितना होगा बच्चों? वी आर एम एस होगा ना अपना सर। वी सी तो होगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अरे एक मिनट रुक जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी ना वी सी में इज इक्वल टू में, वोल्टेज ड्रॉप हमने कितनी निकाल ली? ये निकाल ली ना। यस सर। तो ये 111.80 ये इसके बराबर होगा ना। तो XC को क्या करो आप, 111.80 डिवाइडेड बाय IRMS कर दो, XC नहीं आ जाएगा? यस सर। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? Yes, sir. हाँ, ये हमारी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर। तो वो तो हमारा यही होता है XC into में IRMS, तो XC इधर से आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों? सर सी की वन है। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा नीचे कर लूँ ना मैं इसको। बाकी देख सारे इसमें से निकल करके चले गए। कौन कौन बाकी है पता है? मैं भी तो बैठा हूँ यहाँ सुबेरे से। मैं नहीं बैठा क्या? Yes, ना कुनाल भी है और अपना ये इमानशु भी है और फिर सिमरन भी है, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन पे आगे क्या अपन? Yes, sir. तो बच्चों कैपेसिटर दे रखा है अपने को सी गिवन है। सी गिवन है कितना? 10 माइक्रो F म्यू F। और कितना है? और क्या है? R 15 ओम। और बोलो सर, इसमें डीसी सप्लाई दे रखी है। और कोई बात नहीं। अरे 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 कोई बात नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो डीसी के अंदर एक बात याद रखना, जो न्यू होता है ना वो जीरो होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ओसिलेट नहीं करता, वो सीधा चलता है स्ट्रेट लाइन में। ये पॉइंट नोट करना हमेशा के लिए। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। यस सर। तो बच्चों
अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी ना, और इसके अंदर अपने को क्या गिवन है, कैपेसिटर दे रखा है ना बच्चों। यस सर, ओके, कैपेसिटर दे रखा है, और अपने को निकालना क्या है इसमें से, इम्पीडेंस ऑफ कर सर्किट। इम्पीडेंस यानी कि जेड निकालना है बच्चों। जेड इज इक्वल टू में क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर। और ये क्या होगा बच्चों, ये तो अब गड़बड़ कर देगा ये सब काम तो, क्योंकि इसके 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 वन अपॉन में ना 2π ν अगर रखेंगे वो जीरो होते, ये पूरी चीज जीरो होगी बच्चों, ये तो इन्फिनिटी हो गया इतनी चीज। नहीं आया क्या समझ में? सर और सुनो, ये वाला जो जेड है ना बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, आर स्क्वेयर प्लस इन्फिनिटी हो गया ये, गया। और यस सर, इन्फिनिटी के साथ में अगर कुछ भी चीज इन्फिनिटी होती है ना, तो वो टोटली चीज इन्फिनिटी हो जाएगी। यस सर, नहीं आया क्या समझ में बच्चों? सर तो देखो इन्फिनिटी आ रहा है ये, नहीं समझे? यस ओके देन, सर, 25वीं ओके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, आगे याद रखना इसको। क्वेश्चन सर, नंबर 25 पे आ जाओ बच्चों। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है आपको, आपको क्या कहेगा बेचारा, सीधा साधा सा है। 25वां तो हो ही गया। नहीं अभी करना है, ओके अभी करना है, अभी करना है। पच्चीसवां क्वेश्चन क्या कह प्रिंसिपल। रहा है बच्चों, एक कैपेसिटर है, सी इज इक्वल टू में 4 × 10 इज उसमें टू पावर माइनस सिक्स है, और क्या दे रखा है बच्चों, आर है R equals फाइव हंड्रेड ओम, और बोलो बच्चों, दोनों, 500 mom, और VRMS VRMS है बच्चों, VRMS, प्यारे प्यारे बच्चों बोलो कितना है, ट्वेंटी 20 वोल्ट, वोल्ट एंड और न्यू गिवन न्यू है 30 गिवन है हर्ट्ज, बच्चों 30 हर्ट्स। कैलकुलेट द फेस एंगल फाई, निकालना है बच्चों फाई यानी के टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई सॉरी फाई इज इक्वल टू में फाई इनवर्स ओमेगा सी अपॉन में आर, नो 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 एक्स सी अपॉन में आर। यस सर, यस, क्योंकि वो वन अपॉन में जाना था उतना। बच्चों नहीं आया क्या समझ में? आ गया ये सर, एक्स सी है बच्चों। अब इसको होना है 2π न्यू इंटू में सी इंटू में आर, ये हम डेरिवेशन में कर चुके थे, यस और इसके साथ में बच्चों सर, लगेगा टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि अगर अपन फाई की वैल्यू लेके चल रहे हैं तो। समझे क्या बच्चों? यस सर, तो बच्चों टेंजेंट इनवर्स इंटू में वन अपॉन में 2π ν इंटू में सी इंटू में आर, जो भी वैल्यू आएगी वो टेबल में से चेक कर लेना आप लोग, तो फाइव की वैल्यू नहीं आ जाएगी ये। यस सर, जल्दी से यस निकालो फिर, फटाफट जल्दी करो, जल्दी करो, छोटे छोटे बच्चे जल्दी करो। आ गई भाई वैल्यू, पॉइंट वाली पुट करके फिर आ रही है वैल्यू। बाकी सब की आप चेक कर लो भाई, वैल्यू तो यही आएगी फाई की वैल्यू, आप फिर जब जो ये वैल्यू आ जाएगी उसके बाद में आपने चेक करना है। तो 26th पे आ जाओ, अपने को अब की बार सर्किट है बच्चों हमारा आर एल सी है, आर एल और सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अब बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों? यस सर, तो आर कितना है बच्चों, आर गिवन कितना गिवन है इसमें, टेन ओम, 10 ओम, और एल इंडक्टर का 15 ओम, और कैपेसिटर वाले का 20, ठीक सर, है ना? कैपेसिटर वाले 15 ओम है
कैपेसिटर का 15 है और इंडक्टर का 20 है। चलो इंटरचेंज हो गए तो ये लो बस, ठीक है। Yes, और अब कटिंग वगैरह करेंगे तो क्या फायदा होगी। तो बच्चों अपने को क्या निकालना है भाई? अच्छा और क्या क्या गिवन है, और बोलो क्या क्या गिवन है सर। VRMS गिवन और फ्रीक्वेंसी गिवन। अच्छा VRMS कितना है? 220। और न्यू है अपने पास में 50 हर्ट्ज। अच्छा और क्या क्या है बच्चों? सब यही तो है, यही है ना। और निकालना क्या है अपने को, निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ करंट IRMS निकालना है ना। यस सर। तो ये होता है अपने पास में VRMS बाय में Z। और Z अपन निकाल सकते हैं। तो पहले देखो बच्चों, इसका अगर फेजर बनाओगे ना तो फेजर कैसे बनेगा इसका? तो V तो ऊपर की तरफ, VC, VL और VR इधर और VC नीचे बच्चों, है ना? Yes, sir. अरे जवाब yes. तो तो ऊपर की yes, तरफ sir. ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? VL माइनस में VC। Yes, sir. है yes, ना? Sir. और इस तरफ yes, हो जाएगी sir. हमारी VR और इधर होगा इन दोनों का रिजल्टेंट और यहाँ बनेगा बच्चों फाई। और इसके साथ में आप क्या था वो J कैप, ठीक है ना बच्चों? यस सर। ओके यस। तो यहाँ से अब आपको निकालना है बच्चों, अब ये सारी वैल्यू रखने के बाद में यहाँ पे Z आपका क्या बन रहा था? R स्क्वायर और अंडर द रूट सॉरी यहाँ पे XL माइनस में XC का होल स्क्वायर नहीं था ये? Yes, sir. Yes, sir. ये वैल्यू इसमें से कॉमन सॉमन निकाल करके अपन ने यही तो निकाली थी Z की। Yes, sir. Yes, sir. तो Z is equal to में अब XL माइनस में XC, यानी के XL की वैल्यू थी भाई इंटरचेंज करी थी तो 20 माइनस में 15। yes, बच्चों तो R कितना है 10 और ये हो जाएगा 15 का, क्योंकि ये L तो है 20 और माइनस में 15 5 होना चाहिए 5। क्यों भाई? यस सर। 5 होगा कि 15 होगा? सर 5 ही होगा। 5 ही होगा। 5 ही होगा। 5 ही होगा। तो बच्चों इसका अंडर रूट करके आप Z निकाल लो कितना आएगा फटाफट। ओके सर। जल्दी बोलो फटाफट कितना आएगा? सर 5 रूट 5 आएगा Z। है? Z 5 रूट 5 आएगा। उसमें निकाल लो ना, अपने को तो 220 को अब डिवाइड करना है Z के साथ ताकि IRMS yes, आ सके। 11.18। तो 220 को डिवाइड करो 11.18 के साथ, बोलो कितना है कट के? 19.6 है। 19.6 is equal to me 19.6 26 ये रहा, देखो आ गया ना आंसर। यस सर। हां सही 18.6 आएगा, मैंने ना 11.18 कर दिया था। तो भाई और दूसरे भी चेक कर लो अपना अपना क्या आया आंसर। अपना अपना चेक कर लो भाई। आया कि यही आ रहा है? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 26 सर। 27 26 वाला हो गया क्या? यस सर। अच्छा अच्छा अभी yes. ये ऊपर नीचे सरकता है ना, बहन ध्यान नहीं रहता, बुढ़ापा आ गया। अब 27 में देखो बच्चों A कितना है, एक रजिस्टर दे रखा है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ये फिर से आर एल और सी सर्किट है बच्चों। आर एल और सी, जरा गिवन बता दो फटाफट कितना है। रजिस्टर का तो 50 ओम है और इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर
कनेक्टेड सोर्स 220 वोल्ट यार 220 वोल्ट है तो एल और सी नहीं गिवन है क्या अपने पास यस तो वीआरएमएस इज इक्वल टू में 220 वोल्ट है यस सर ओके अच्छा और क्या निकालना है अच्छा न्यू भी तो है बच्चों न्यू दे रखा है 50 एचजेड और क्या गिवन है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट तो आईआरएमएस निकालना है बच्चों सर वी वाव गिवन है तीनों की वोल्टेज कहां पे है तीनों की ओके वीआर वीसी और वीएल अरे 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 यस 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 वीएल गिवन है बच्चों वीएल गिवन है कितनी सुनो तो फेजर फेजर बनाओ फेजर फेजर बनाओ इधर वीआर वीआर कितनी है सर 220 वोल्ट और वीसी कितनी है 260 वोल्ट इज इक्वल टू में वीसी और वीएल होगा बच्चों ऊपर ठीक है ना कितना है 260 वोल्ट ठीक है बच्चों अरे आया कि नहीं आया समझ में ओके दोनों बराबर ये है बच्चों अब यहां से वीएल वीएल और वीसी दोनों बराबर है 260 वोल्ट ठीक है बच्चों अच्छा अब अगली जो चीज है बच्चों अपन अगर मान लो जेड निकाले बच्चों जेड है ना यस यस तो जो है ना बच्चों जेड हमारा निकलाएगा तो अगर ये दोनों बराबर है मैंने बताया था आप लोगों को आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई बच्चों yes, नहीं आएगा yes, समझ में बच्चों दोनों बराबर है ना तो जेड निकालने yes, के लिए आप रखोगे yes, तो जेड इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर ही आ गया तो जेड इज इक्वल टू में बच्चों आर ही आया अपने पास नहीं आया समझ में yes, ओके अब अगर आर ये आया तो आर कितना अपने पास में 50 तो आई आर एम एस अपने को निकालना है तो 220 को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 50 के साथ में कट करके जो भी आएगा yes. वो आईआरएमएस होगा yes, बोलो नहीं आएगा समझ में yes, yes, sir, आ गया। अच्छा तो यही तो निकालना था फिर अपने को और क्या निकालना था ओके yes, देन yes, okay, तो 28वें क्वेश्चन के ऊपर कौन चलना चाहेगा ओके आजा तू भी आजा जल्दी से तो फिर बता क्या क्या है गिवन बॉल फटाफट क्या क्या दे रखा है 28वें क्वेश्चन में 28वें में 50 आर गिवन है 50 ओम आर एक मिनट रुको 28वां क्वेश्चन में यहाँ ले आता हूँ ऐसे करके आर इज इक्वल टू में 50 ओम और बोलो इंडक्टर है देखो ये रहा एल L दे रखा है L कितना है 0.2 हेनरी और कैपेसिटर एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस X इज इक्वल टू में कितना है बच्चों 40 ओम है ये 40 ओम एंड कॉम्बिनेशन इज है बेटा VRMS VRMS कहां पे है ये रही 180 VRMS इज इक्वल टू में 180 वोल्ट और न्यू गिवन है फिफ्टी आर्स अरे सब कुछ गिवन ही दे दिया गया कुछ निकालने के लिए भी देगा कि नहीं देगा ये फेज एंगल निकालना है फाई ओके बच्चों फाई फाई अपने बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ओके तो बच्चों सर आईआरएमएस भी निकालनी है आईआरएमएस भी निकालनी है ओके आईआरएमएस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो बच्चों देखो फेजर डायग्राम बनाने का अपने को बेनिफिट ये होगा पहले फेजर बनाए क्या इसका क्या कितनी चीजें जुड़ी हुई है अरे कितनी चीजें जुड़ी हुई है भाई सर अब हमें जेड निकालना है रुको 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 पहले एक बार
ऊपर की तरफ होगा बच्चों वी एल माइनस में वी सी, और इधर होगा आपका वी आर फेजर डायग्राम में, और ये दोनों का रिजल्टेंट वी, यहाँ पे आपका बनेगा फाई। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? यस। ओके देन, अब ध्यान से देखो, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू में वी एल माइनस में वी सी अपॉन में आर। यस सर। अरे अपॉन में वी आर, अपॉन में वी आर, भाई गलती मत करो, आर नहीं आएगा। तो अब इसका अगर करेंगे तो ये आएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी अपॉन में आर, क्योंकि आई कट जाएगा ना दोनों का ऊपर से कॉमन लेकर के। वी एल को आप क्या लिखोगे? वी एल को क्या लिखोगे? आई इंटू में एक्स एल माइनस में आई इंटू में एक्स सी, और इसको क्या लिखोगे? आई इंटू में आर। ये वी के अपॉन में है, आर बेस में है ये, और एंगल बना के नहीं बना, ये परपेंडिकुलर है, और ये तो टेंजेंट फाई, ऐसे ही तो लिखोगे आप। तो एक्सएल एक्सएल माइनस में एक्स सी होना था बच्चों ये। यस। ठीक है क्या बच्चों? यस। तो एक्सएल एक्सएल को आप क्या लिख सकते हो? टू पाई न्यू। न्यू कितनी है बच्चों? 50 हर्ट्ज। और एल कितना दे रखा है? 0.2 है ना बच्चों? यस सर। नहीं दे रखा? यस सर। और एक्स सी कितना है? एक्स सी गिवन है क्या? यस सर, 40। यस सर गिवन। 40 माइनस में, और आर कितना है? 50। ठीक है ना बच्चों? तो आप निकालो, ये जो आएगी वो टेंजेंट फाई की वैल्यू होगी, स्लोप है मतलब। ये निकालो फटाफट जल्दी से। फेजर का कुछ फायदा है कि नहीं है? जबरदस्त फायदा है, जबरदस्त फायदा है। ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है भाई, और मैं आज ही इसको लिंक इसका सेंड कर दूंगा। अगर कोई बच्चा फिर से देखना चाहेगा तो वो देख लेगा। जो बच्चे अब्सेंट है ना, वो अब इसमें से देख के काम करेंगे। आ गया बच्चों? इज इक्वल टू में बोलो कितना आया ये? 0.45 है? 0.45। तो फिर अब 0.45 आया ना, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू में 0.45, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स 0.45। अब टेबल देखो, टेबल देखो। अब नहीं देखने आए क्या टेबल? बच्चों चल देखते हैं। बहुत देर लगा दी भाई। अरे टेंजेंट 0.45 की वैल्यू देख लो। आ गई सर। कितनी आई? सर 24.5। यस सर। देखो भाई ये आ रहा है 24.70 डिग्री, तो थोड़ी तुम्हारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है ना, वो चेक कर लेना अपनी। समझ गए क्या? यस सर। हाँ यस, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना। देखो कैलकुलेशन नहीं आती मुझे करनी। आगे क्या बोल रहा है बच्चों? वो इसी क्वेश्चन का क्या पार्ट है दूसरा? हमें निकालना है फाइंड द आरएमएस करंट, तो आई आरएमएस निकालना है बच्चों।
आई आर एम एस इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, वी आर एम एस बाय जेड, तो जेड अपने पास नहीं है, जेड जेड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जेड इज इक्वल टू में क्या होगा, आर का स्क्वायर माइनस में एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो ये रही देखो ऊपर वाली वैल्यू एक्स सी माइनस में एक्स एल, और आर तुम्हें पता ही 100, जो भी आएगा इसके साथ डिवाइड कर देना, आर एम एस आ जाएगी वैल्यू, सॉरी आई आर एम एस ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी क्या? यस सर। ओके तो निकालो फटाफट, इतने में अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, जल्दी जल्दी निकालो फटाफट जेड की वैल्यू को और डिवाइड कर दो उसके साथ। आगे क्या बच्चों? यस सर। ओके ये कितनी आई भाई, जेड की वैल्यू कितनी आई कुणाल? सर 67.07। 67.07 यस सर। बस तो वी आर एम एस कितना दे रखा था 220 ना, इसको काट दो आई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितने पे थे भाई? सर 29 पे। बस भाई आगे, अब 29 की बारी। 29 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है अपने को? सर आर गिवन है, आर गिवन है, कितना है आर? 50 ओम। 50 ओम। और बोलो वी आर एम एस गिवन है, वी आर एम एस गिवन है, बोलो कितना? 220। और बोलो गिवन है 50 ओम है, क्यों दे रखा है, क्या दे रखा है? श्योर मत करो भाई। फ्रीक्वेंसी। अच्छा न्यू कितनी है? 50। तो बोल नहीं सकते फटाफट, आगे से आगे बोला करो ना जल्दी से, तुम्हारी भी छुट्टी होए मेरी भी छुट्टी होए, जल्दी बोलो आगे फटाफट। सर वी आर दे रखा 75 वोल्ट। अच्छा वी आई, तो सुनो फेजर फेजर बना लेते हैं, इधर होगा वी आर और तीनों है क्या, तो ये वी एल माइनस में वी सी है ना, तो भाई तीनों अलग अलग है ये, तो है ना बच्चों? yes, तो नीचे की तरफ वी सी लेनी पड़ेगी अपने को, वी सी बोलो कितनी है? सर 420 है। 420 और वी एल है 210। आप इसका फिर से फेजर बनाएंगे अगर, तो बच्चों यहाँ पे तो जो केस आ रहा है ना, वो केस क्या है, VC is greater than VL है। Yes, sir. हाँ तो चीज उल्टी, अब की बार जो है ना उल्टा चलेगा फिर केस, ये तो है बच्चों। Yes, sir. Yes, नहीं आया समझ में, तो पहला काम तो है कि ये करें, और क्या क्या अब इसने पूछा निकालना क्या अपने पास, कैलकुलेट द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इफ वोल्टेज इज इतना, 29 वाला है ना अपना ये क्वेश्चन, तो बच्चों yes, अपने को इंडक्टेंस निकालना है ना? Yes. इंडक्टेंस यानी के एक्स एल इज इक्वल टू में ओमेगा एल, क्यों भाई? यस सर। ओके देन, तो बच्चों
एक्सेल की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेल की वैल्यू यस फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, एक्सेल की वैल्यू, एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास में वी आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस। नहीं आया क्या समझ में? अगर भाई वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर के अंदर जितनी होगी ना, ना 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 वो फिर वी एल होनी चाहिए भाई, वो वी एल होनी चाहिए, वी एल होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, तो अरे ऐसा ही तो होगा ना, एक्सएल इज इक्वल टू में वी एल बाय आई आर एम एस। नहीं आया क्या समझ में? अच्छा, जो जितनी चीजें आती है उतनी तो लिख लें पहले अपन। यस सर। तो बच्चों आई आर एम एस अपन निकाल सकते हैं, आई आर एम एस देखो कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास रेजिस्टेंस दे रखा है ना और और वी दे रखा है, तो आई आर एम एस अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू में 220 वोल्ट अपॉन में 50 इज इक्वल टू में आई आर एम एस आ जाएगा ना। यस सर, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा बच्चों। तो अगर मैं अब VL मेरे पास में कितनी है बच्चों, 4.5 आएगा है? 4.5 आएगा IRMS। सर 75 लोगे अब ऊपर उसका, जो उसका रजिस्टर का? हाँ रजिस्टर वाला लेंगे, रजिस्टर वाला लेंगे, सॉरी 75 लेंगे, 75। ये तो टोटल की आएगी ना, 220 तो टोटल की है। Yes, तो वोल्टेज ड्रॉप जो जो रजिस्टर वाले में हो रही है ना, तो अपने पास में 75 और 50 दे रखी है। तो IRMS अब सीरीज में है ना, सीरीज में है ये सारे के सारे, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा ना, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग रहती है। Yes. नहीं आया समझ में बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो IRMS आ गया। और VL कितनी है बच्चों अपने पास में? VL 210 और IRMS है 1.5। करंट तो सभी का सेम रहेगा ना, तो इसको इससे काट दो, कितना आया? 140। नहीं 140 क्यों आएगा? 140। एक ऊपर लगाएंगे ना, एक जीरो ऊपर लगाएंगे, 7 यही आएगा। देख लो, तुम चेक करके देख लो। नहीं आएगा? नहीं आया क्या? आ गया, 140 ओम आ गया, क्योंकि 15 बच रहे हैं ना, और बचे हुए कितने बच्चों? 6, तो 15 चौके 60, 6 और 40 नहीं बनेगी, सॉरी 140। सीधी सी कैलकुलेशन है, इसको करोगे तो 1 और 6 बचेगा, 140 आ रहे हैं, 140 ओम। तो एक्सएल बच्चों कितना आ गया? ओमेगा एल, तो 140 इज इक्वल टू में ओमेगा एल, और एल गिवन है क्या अपने पास? एल निकालना है, एल निकालना है ना। यस, तो एल एल इज इक्वल टू में क्या आएगा? 140 अपॉन में ओमेगा इज इक्वल टू में एल, और ओमेगा क्या होता है? 2π न्यू, और फ्रीक्वेंसी आपके पास में है ही क्यों बच्चों? 140 अपॉन में 2π इनटू में 50 है क्या फ्रीक्वेंसी? इज इक्वल टू में एल। अरे बच्चों एल की वैल्यू आ गई क्या? यस सर, 0.45 है आ गई सर, 0.45। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है? उसी तरह से अब एक्सी निकालना है अपने को। तो एक्सी भी बहुत इजी है, तो ये आ जाएगी अपने पास में वीसी अपॉन में आई आर एम एस इज इक्वल टू में क्या होगी? इज इक्वल टू में क्या होगी? एक्सी होगी। तो इसमें कितनी आ रही थी? ये 4 420 थी ना, और
1.5 आपका टोटल सर्किट के अंदर करंट था, yes, sir. तो ये कितनी आ गई भाई 280, और आप yes, इसको रख दो 280 सेम, बस उसी तरह से करना है. 280 इज इक्वल टू में एक्सी कितना होता है 2/π और न्यू है 50 और सी आपको तो निकालना है बच्चों, है ना. तो बस अब सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, नहीं समझे yes, क्या yes, अब ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि एक आर था, एक एल था और एक सी था. आर दे रखा था बच्चों कितना था 75. yes, ये वी आर थी एक्चुअल में, और ये वी वी एल थी 210 और वी yes, सी कितनी थी 420. ठीक है बच्चों, अब देखो ये वी आर जो है हमारी वो क्या होती है बच्चों, आई इंटू में आई आर एम एस इंटू में आर आर, और वी एल इज इक्वल टू में होती है बच्चों आई आर एम एस इंटू में एक्स एल एक्स एल, और ये होती है आई आर एम एस इंटू में एक्स सी एक्स, बस ये इसी तरह से. अब ये सीरीज में थे ना, तो सीरीज में करंट देखो आई आर एम एस सभी का था, तो हमने शुरू में क्या करा, इसका इसका दे रखा था ना एक का, तो वहां से करंट निकाल लिया और फिर बाकी सब का फिर ऐसे ऐसे आ गया. ये नहीं आया क्या समझ में? यस आ गया. ओके बच्चों, तो 30 वाला क्वेश्चन ले ले फिर अब. यस यस सर. क्या क्या दे रखा है 30 वाले क्वेश्चन में बच्चों? सर रेजिस्टेंस गिवन है और क्या क्या गिवन है बच्चों? एक जनरेटर है बच्चों और इनिशियल रेजिस्टेंस है बच्चों उसका इतना, और कनेक्टेड इन सीरीज विद द 10H यानी कि L गिवन है yes, 10H, और सी कैपेसिटेंस है बच्चों 2×10⁻⁶ फेराड एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द जनरेटर इज गिवन बाय द रिलेशन V इज इक्वल टू में ओहो X. ठीक है ना बच्चों? यस सर. रिलेशन क्या गिवन है बच्चों अपने पास में? रिलेशन क्या गिवन है बच्चों? V is equals to 210⁻⁸ T. यानी के यहां से अगर अपन बात करें तो ये क्या है, V नॉट है बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज है 200, है ना बच्चों? yes, और ये चीज इतनी क्या अपने पास में, ओमेगा. ओमेगा क्या है बच्चों? 80π. ठीक है क्या? यस सर. ओके, ओमेगा इज इक्वल टू में है बच्चों आपके पास में 80π. ठीक है, और इसके साथ yes, में sir. अगर अपन न्यू भी लगा दें तो यहाँ से अपने को फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है. ओमेगा इज इक्वल टू में और इसके साथ में ये अटैच कर दो, तो ये रिलेशन अपने को मिल गया. अच्छा, ये क्या है बच्चों, अपनी वी आर एम एस है क्या ये सारा जो रिलेशन मिल करके आएगा? तो अब हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों. अच्छा, इसमें से अपने को निकालना क्या क्या है बच्चों? इम्पीडेंस निकालना है ऑफ द सर्किट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर. तो कैलकुलेट द इम्पीडेंस यानी कि जेड निकालने की बात हो रही है, है बच्चों? यस ओके सर. तो जेड निकालने के लिए अपने को क्या क्या चीज चाहिएगी बच्चों? एक तो आर चाहिएगा, एक एक्स सी चाहिएगा और एक एक्स एल चाहिएगा, तभी तो निकालेंगे अपन. यस सर. तो बच्चों अपने पास में मैक्सिमम वी नॉट दे रखी है और ओमेगा दे रखी है,
ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा की वैल्यू यानी के ये दे रखी है बच्चों 80 पाई और ओमेगा यानी के 2 पाई न्यू इज इक्वल टू में 80 पाई है ना बच्चों। टोटल ओमेगा तो 2 पाई न्यू होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी आपके पास में 80 पाई अपॉन में 20 पाई है ना बच्चों। यस सर। ये क्या दे रखा था बच्चों 2 पाई 2 कितना था सर 2 पाई सर 2 था 2 पाई 2 था कि 20 था ये 2 था 2 क्योंकि 40 हाँ क्योंकि है ना सॉरी 40 हर्ट्ज आएगी 40 हर्ट्ज यस क्योंकि है ना 4 हर्ट्ज बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू की आ गई बच्चों अपने पास में फ्रीक्वेंसी आ गई है ना। अब फ्रीक्वेंसी आने के बाद है ना बच्चों हम लोग एक्स सी और एक्सएल निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स सी तो होगा बच्चों ओमेगा इनटू में एल है ना, क्योंकि एल अपने को दे रखा है। अब नहीं आया क्या समझ में? यस सर। और अब ओमेगा ओमेगा अपने पास में क्या है बच्चों 2 पाई न्यू, तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू में 3.14 इंटू में अब ये क्या आ गया 40 और इंटू में 10 ये वैल्यू आएगी बच्चों आपकी एक्सएल की। और एक्सी की वैल्यू क्या आएगी बस इसी को ही अपॉन में करना है मतलब 2 इंटू में 3.14 इंटू में 40 और कैपेसिटेंस गिवन है बच्चों 2 इंटू में 10 रेज टू पावर -6। बोलो बच्चों है कि नहीं है? यस सर। अब इसके इसके आने के बाद में कुछ करना बाकी रह गया क्या? बस सिर्फ अब तो वैल्यू वैल्यू ही पुट करनी है। जेड इज इक्वल टू में क्या आएगा अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस में अंडर द रूट एक्सएल माइनस में एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दोनों की वैल्यू है बच्चों इसमें डाल दो जेड नहीं आ जाएगा? यस सर। नहीं समझे? सर समझ गए। ओके तो बच्चों एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इसका थोड़ा सा हिंट बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ से क्या क्या चीज गिवन है? डीसी सप्लाई की वोल्टेज गिवन है। ओके सेम है अगला जो क्वेश्चन है ना बच्चों बिल्कुल सेम है। एक बार आप लोगों के लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ दूं भैया एटलीस्ट 3 का तो देखो मेरा राइट बनता देने का। यस सर। नहीं